हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग जय हिंद एम आई ऑडिबल एम आई विजिबल टू यू एवरीवन क्या मेरी आवाज आपको आ रही है क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं गुड मॉर्निंग अभी दुर्गेश वैभव मिश्रा गुड मॉर्निंग बेटा जय हिंद एवरीवन जय हिंद मैं एकदम बढ़िया हूँ बेटा गुलाम जावेद आप कैसे हो सभी लोग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सुप्रभात वणक्कम जय श्री राम जय महाकाल कैसे हो सभी लोग मैं एकदम परफेक्ट हूँ आप लोग कैसे हो बेटा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग क्या हाल चाल है फुल्ली ऑडिबल फुल्ली विजिबल आवाज आ रही है दिखाई दे रहा हूं प्रणाम बेटा प्रणाम हर हर महादेव ओके okay बेटा सो so मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरी आवाज क्लियरली आ रही है आप तो ओशनोग्राफी के अंदर हमने डिजास्टर्स पढ़े थे ठीक है आज इस सेशन के अंदर यहां पर हम क्या पढ़ने वाले राइट नाउ इन दिस सेशन वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट दियर किसके बारे में डिस्कशन करेंगे बेटा हम एटमोसफियर के बारे में डिस्कशन करेंगे हाँ गुलफाम बताओ क्या रिक्वेस्ट है बेटा आपकी ठीक है चलो जो रिक्वेस्ट आप कमेंट कर दो मैं देख लूंगा उसको ओके तो आज हम बात करेंगे एटमोस्फियर के बारे में मतलब वातावरण वातावरण होता क्या है इस बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे ठीक है बेटा चलिए तो कौन कौन से टॉपिक आज हम कवर करने वाले सबसे पहला जो टॉपिक हम कवर करेंगे इट विल बी एटमोस्फियर उसमें पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर दूसरा एटमोस्फियर कॉम्पोजिशन तीसरा एटमोस्फियर और उसमें भी इंसोलेशन इन चीजों को आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे बेटा सुनामी और वोल्केनिजम में आपको इंडियन जियोग्राफी में पढ़ाऊंगा ठीक है जब इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे तो वहां आपको मैं ये चीजें बताऊंगा ठीक जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सीएचएसएल के लिए वो भी आपको मैं करवा दूंगा बेटा ठीक है गुलफाम जावेद ओके ओके सबसे पहले बात करते व्हाट इज क्लाइमेटोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी होती क्या है क्लाइमेटोलॉजी हिंदी में उसे हम कहते हैं जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं जलवायु विज्ञान तो क्लाइमेटोलॉजी होती क्या है ठीक है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्लाइमेट किसी भी जगह के क्लाइमेट की साइंटिफिक या फिर वैज्ञानिक तरीके से किसी भी जलवायु की स्टडी करना आपका क्लाइमेटोलॉजी कहलाता है इसकी डेफिनेशन में किसी को कोई इश्यू है जय हिंद अवनी गुड मॉर्निंग काव्या राज तारवे। बेटा वो जो टॉपिक्स हैं उनको मैं बाद में देख लूंगा ये बहुत बड़ा टॉपिक है इसलिए इसको पहले रखा है इसको ये वाला समझ में आ गया है ना द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्लाइमेट जलवायु का वैज्ञानिक अध्ययन अब जलवायु क्या होती है वॉट इज क्लाइमेट ध्यान से समझना है ना जरा सा इधर उधर होगा भटक जाओगे पूरा ध्यान दिमाग यही रखना है ना क्लाइमेट क्या होता है ये किसी पर्टिकुलर प्लेस का एक जगह है ये इस जगह का नाम है सपोज करो हम इंडिया का एक आ, न, स्टेट सिटी ले लेते इंदौर ठीक है इस इंदौर का क्लाइमेट अगर मुझे बताना अगर मुझे इंदौर का क्लाइमेट बताना है तो मैं किस चीज के बारे में बात करूंगा अगर मुझे इंदौर का क्लाइमेट बताना है तो आई विल टॉक अबाउट दी टेम्परेचर प्रेशर ह्यूमिडिटी रेनफॉल पोग उ कवर ठीक है अगर किसी भी एरिया का टेंपरेचर आपको पढ़ना है किसी भी एरिया का टेंपरेचर आपको पढ़ना है ठीक है तो अगर मुझे क्लाइमेट बताना है तो क्लाइमेट का मतलब क्या बेटा ध्यान से समझना किसी भी पर्टिकुलर एरिया का तापमान जैसे इंदौर है है तो ना तो इंदौर का मैं देख राइट ट्वेंटी 27 डिग्री ठीक है ओके प्रेशर कितना होगा नाइन नाइनटी नाइन मिली बार परसेंट होगी रेनफॉल जीरो हो गई मान लो मान लेते हैं सेवेंटीन परसेंट दे रहा क्लाउड कवर अभी जीरो है ओक्टास इंदौर के लिए है अब ये क्या हो गई इस जगह का हो गई क्लाइमेट मतलब किसी भी एरिया के क्लाइमेटोलॉजी क्लाइमेट का मतलब क्या होता है एक पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर प्रेशर ह्यूमिडिटी रेनफॉल प्रेसिपिटेशन की साइंटिफिक स्टडी को हम क्लाइमेट कहते हैं समझ गया क्लाइमेट कुछ नहीं है क्लाइमेट इन आंकड़ों का खेल जो मैंने आपको दिखाया तो ये जलवायु अब राइट right नाउ हमारे पास सीन क्या आ रहा? अब नया चीज आ रही दैट इज क्लाइमेट चेंज सभी लोगों ने इसके बारे में ध्यान से सुना होगा अच्छा जितना मैंने बोला उतना समझ में आया विनय त्रिलोक क्लियर है जो मैंने बताया अभी तक जस्ट अभी शुरू हुआ अभिनव क्लाइमेट क्या होता है जो मैंने एक एग्जांपल के थ्रू बताया इज दैट क्लियर टू यू एवरी वन क्लियर है नूतन ठीक है भाई ओके okay. अब बात करते क्लाइमेट चेंज के बारे में कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है समझते बेटा ध्यान से देखो यह है हमारी प्यारी धरती ब्लू प्लैनेट इसमें यहां पर आपका बर्फ जमा हुआ है और यहां पर भी ठीक है ये पोलार एरिया है जिसे हम बोलते पोल ठीक है कौन से ये दो पार्ट कौन सा जोन है ये ज़ोन अब क्या होता है रेगुलर रेगुलर हम इमिशन करते कार्बन डाइऑक्साइड का ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन करते कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है इट इज अ ग्रीन हाउस गैस व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस बता देता हूं कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता ये है हमारा धरती तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये बना हुआ है किससे एक गैस गैस है CO2 भी बाकी की सारी के अलावा अब जब यहां से सनलाइट सन sun से आती है तो ये अंदर तो आ जाती है बट कार्बन इसे बाहर जाने नहीं देता ये ट्रेप कर लेता है तो धरती का तापमान धीरे 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 बढ़ने लगता है ठीक है अब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ये जो पोलार एरिया है ठीक है ये जो पोलार एरिया है ये पोलार एरिया कि जो बर्फ है वो बर्फ पिघल रही है अब ये बर्फ अगर पिघल रही है तो पहले ये जो बर्फ इतनी थी अब ये कितनी हो चुकी है ठीक है अब ये रिड्यूस हो रही है अब जब बर्फ रिड्यूस हो रही है तो क्या होगा जब आइस मेल्ट होगी तो क्या बनेगा वॉटर और ये जो आपका वॉटर है ठीक है ये जो आपका वॉटर है ये वाटर क्या करता है कहां एड होता है ये एड होता है ओशन के अंदर और जब ये पानी ओशन के अंदर एड होता है तो वो जगह है जितने भी आइलैंड्स हैं छोटे छोटे फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका है मॉल है ठीक है सेचल है इस तरह के आइलैंड्स पर पानी बढ़ रहा है और जब आइलैंड्स पर पानी बढ़ रहा है तो क्या होगा लोग डूब में आ रहे जगह डूब रही जो लैंड रिसोर्स है वो डूब रहा है से डूब रहा है जैसे आइलैंड है है ना ये एक आइलैंड है इस पे इतनी जमीन है अब क्या हुआ पानी का लेवल जैसे ही बढ़ा तो पानी के लेवल बढ़ने से क्या हो गया पहले पानी यहां था अब पानी यहां आ गया अब पानी और अंदर जा रहा है तो यहां पर जो लोग थे उनके बीच में क्या हो गया कॉन्फ्लिक्ट लड़ाइया शुरू होगी किस चीज को लेकर के लैंड रिसोर्स को लेकर के तो इस तरह से ये क्लाइमेट चेंज जो कार्बन का निकलना कार्बन के निकलने के बाद उसका एटमोसफियर में जाना एटमोसफियर में जाने के बाद उसका इंसोलेशन में इंक्रीमेंट करना गर्मी बढ़ाना पोल्स की बर्फ को पिघल पिघलाना वो बर्फ के पिघलाने के बाद धीरे धीरे इन आइलैंड्स को डूब में लाना इस तरह से ये नेगेटिवली इंपैक्ट करता है ठीक है आप लोगों ने वो टीवी में एड आता है था ना वो जब क्रिकेट चलता था कि मोलडीव्स चलते हैं मोलडीव्स चलते मतलब मालदीव्स घूमने जाना है तो वो भी वही बात है कि जितना जल्दी घूमा उतना अच्छा जब तक आप लोगों के हनीमून पीरियड आएगा मॉल जाने का तब तक तो डूब जाएगा तो अभी घुमाओ ठीक है चलो यस सी लेवल जो होता है वो राइज होता है इसको बोलते यूस्टेटिक चेंज एक होता पॉजिटिव यूस्टेटिक चेंज मतलब सी लेवल का राइज होना एक होता नेगेटिव यूस्टेटिक चेंज मतलब सी लेवल का रिड्यूस होना ठीक है तो ये होता है क्लाइमेटोलॉजी अब कॉम्पोनेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट वेदर और क्लाइमेट के कौन कौन से कॉम्पोनेंट है तो वेदर और क्लाइमेट के वही जो मैंने आप आपके पास लिखे थे टेम्परेचर पहला नोट करते चलो मेरे साथ साथ अगला प्रेशर नेक्स्ट यूमिडिटी रेनफॉल क्लाउड कवर फोग मिस्ट ठीक है ये एक एरिया में किस टाइप से किस तरह से ये एक एरिया के अंदर होते हैं वो उस एरिया की क्या हो जाती है क्लाइमेट हो जाता है अगर बहुत लंबे वक्त की बात करें बड़े एरिया की बात करें और अगर एरिया छोटा हो वक्त भी कम हो तो वो उसका प्रेशर हो जाता है ठीक है तो ये वाली चीज मैंने आपको बता दी ओके नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं हम हमारे एटमोस्फियर के बारे में यहां तक जो बेसिक इंट्रोडक्शन था क्लाइमेटोलॉजी का क्या वो सभी को समझ में आ गया हा संधू ये जो है बेटा ये हर जगह आएंगे ये जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए क्लियर है सभी को चलिए भाई अब डिस्कशन करते हैं हमारे एटमोस्फियर से क्यों एटमोसफियर से करते हैं क्योंकि जो क्लाइमेट होता है ये जो वेदर होता है किसके अंदर होता है इसी वातावरण के अंदर होता है तो ये क्या होता है, atmosphere. है भाई सिंपल सी बात है कि ये जो है हमारी अर्थ इस अर्थ को जिस गैस के ब्लैंकेट ने कवर करके रखा हुआ है उस गैस के ब्लैंकेट को हम क्या बोलेंगे एटमोसफियर ठीक है हवा का लिफाफा जो पूरी तरह से धरती को घेरता है उसे वायुमंडल के रूप में जाना जाता है ठीक है समझ में आ गया अगला वायुमंडल पृथ्वी की सतह से लगभग एक हजार किलोमीटर तक फैला हुआ है अर्थ सरफेस से एटमोसफियर की हाइट कितनी ऑलमोस्ट वन थाउजेंड किलोमीटर ठीक है उसके बाद 99 परसेंट जो इफेक्टिव एटमोस्फियर है वो हमें 29 किलोमीटर तक की हाइट पर ही मिल जाता है ठीक है अब इस एटमॉस्फेयर की की एक्सटेंड की बात करें तो एक हजार किलोमीटर कहां से ये अर्थ है अर्थ की सरफेस से वन थाउजेंड किलोमीटर तक फैला हुआ है ये एक पॉइंट है ये एक पॉइंट है बट अगर ओरिजिनली बात करें ना तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है इट हैज नो अपर लिमिट इट जस्ट गोट फेडेड इन टू स्पेस हमारे एटमोसफियर के सीडीएस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था कि हमारे एटमोसफियर की क्या अपर लिमिट है बिल्कुल नहीं हमारे एटमोसफियर की ऊपर में कोई अपर लिमिट नहीं है ट्रोपोस्फियर श्रेटोस्फियर मिजोस्फियर आइनोस्फियर एग्जोस्फियर और फिर जाकर ये धीरे धीरे स्पेस में फेडेडअप हो जाता है ठीक है तो ये इसके बारे में ठीक है इतना समझ में आएगा दिस इज बिकॉज द एटमोस्फियर हेल्ड बाई द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ एटमोसफियर हमारा बेटा हमारी धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल से जुड़ा हुआ है अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो एटमोस्फियर उड़ जाएगा ठीक है कभी कभी हमारे दिमाग में एक बेतु का क्वेश्चन आता है ना क्या आता है क्वेश्चन कि जब सर हमारी धरती तो घूम रही है ये यहां से यहां जा रही है अब मैं जंप मार देता हूं तो धरती आगे क्यों नहीं निकलती और मैं दीवार से क्यों नहीं टकराता क्यों ऐसा नहीं होता क्योंकि हमारे साथ साथ हमारा एटमोसफियर भी घूम रहा है ठीक है हमारे साथ साथ हमारा एटमोसफियर भी घूम रहा है बेटा और जब एटमोसफियर हमारे साथ साथ घूम रहा है तो इसलिए हम कभी भी नहीं गिरते जब हम क्रिकेट खेलते हम बॉल पे छक्का मारते तो बॉल वही जाती जहां तक उसको जाना चाहिए ऐसा नहीं होता कि हमने बॉल को छक्का मारा धरती आगे घुस गई तो बॉल कहीं और चली गई ठीक है ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी एटिंग माई पॉइंट ओके तो ये था आपका पहला अब हमारे एटमोस्फियर का ओरिजिन कैसे हुआ इसके बारे में बात करते हैं ठीक है भाई समझते इस बारे में कि कैसे हमारे एटमोस्फियर का ओरिजिन हुआ था तो इनिशियल स्टेज पर जब अर्थ थी हमारी दिस इज साफ ही नहीं किया उसको आप लोग कहां रहते हो सभी मध्यप्रदेश के अलावा सब साफ कर देता हूं मैं उत्तर प्रदेश राजस्थान जयपुर सब साफ कर दिए मैंने ठीक है ओके ये हमारी अर्थ है हमारी अर्थ इनिशियल स्टेज में इसका ग्रेविटेशनल फोर्स एकदम मिनिमम था मिनिमम था नील था या नहीं था तो जब अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था कम था उस वक्त क्या हुआ कि जो भी गैसेस निकलती थी इसके अंदर से वो स्कैप हो जाती थी जो भी गैसेस निकलती थी वो गैस क्या करती थी स्कैप हो जाती थी निकल के बाहर और स्पेस में फेडेडअप हो जाती थी ठीक है भाई इतना समझ में आ गया धीरे धीरे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स आया और जब ग्रेविटेशनल फोर्स आया तो उसने जो गैसेस निकल के बाहर आई अर्थ ने उसको पकड़ लिया ऐसे करके और जब अर्थ ने उस गैस को पकड़ लिया तो अर्थ के सराउंडिंग में पूरे में क्या आ गया एक एटमोस्फियर बन गया इस तरह से कुछ मोटे मोटे तौर पर एटमोस्फियर का फॉर्मेशन हुआ चलो भाई इस चीज को और सही तरीके से जानते आओ कैसे जानते और सही तरीके से यह है हमारी अर्थ ठीक है हमारी अर्थ ये अब इस अर्थ के ऊपर कई सारी ज्वालामुखी थी समझ मारा ना इसके ऊपर इनिशियल स्टेज में कई सारी ज्वालामुखी थी जहां से लावा निकल के बाहर आता था अब इसके अंदर से लावा निकल के बाहर आ रहा लावा के अलावा क्या क्या निकल रहा co2 टू एच टू मतलब वाटर पेपर एनओ NO, ठीक है इस तरह से सारी गैसेस इसके अंदर से निकल के बाहर आ रही थी ठीक अब ये चीजें जो यहां से निकल के बाहर आ रही है सीओ टू हो गया एच टू हो गया एनओ NO हो गया अब ये गैसेस बाहर निकलती बाहर निकलने निकल, के निकल बाद स्कैप हो जाती फिर बाहर निकलती बाहर निकलने के बाद स्कैप हो जाती अब जब बार बार ये चीजें होने लगी तो धीरे धीरे क्या हुआ अर्थ की गर्मी इन चीजों से निकल के बाहर आने लगी अब ये जो एच टू ओ है एच टू बाहर जाके क्या हुआ कंडेंस इसने क्या किया क्लाउड बनाए बाहर बाहर आया, बहार आकर ये कंडेंस हुआ, क्लाउड बना, टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगा फिर ऊपर आया फिर रेनफॉल हुई फिर अर्थ का टेम्परेचर रिड्यूस होने लगा फिर ऊपर आया फिर अर्थ का टेम्परेचर रिड्यूस होने लगा अब धीरे धीरे क्या हुआ यहां पर इसके अकॉर्डिंग चले तो हम अर्ली एटमोसफियर ऑफ अर्थ वॉज प्रोबेबली डिफरेंट फ्रॉम द कम्पोजिशन एज ओनली हाइड्रोजन एंड ही इनिशियल एटमोस्फियर था धरती का उसमें हाइड्रोजन और हीलियम मिलती थी और हाइड्रोजन और हीलियम भी कहां से आई धरती के अंदर से आई धरती के अंदर से निकल के ज्वालामुखी से बाहर आई थी ठीक है इतना क्लियर था ओके बट एज दिस गेसिस इनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता था ये लाइटर थी स्कैप हो जाती थी ड्यूरिंग द द अर्ली लाइफ ऑफ अर्थ देयर वाज एक्सटेंसिव वोल्केनिज्म सो डिफरेंट गैसेस लाइक नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड वाटर वेपर केम आउट द एटमोस्फियर जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि गैसेस निकल के आती थी एटमोस्फियर के अंदर जब गैसेस निकल के आती थी एटमोस्फियर के अंदर धीरे धीरे स्कैप होती थी फिर आती थी फिर स्कैप होती थी अब एक टाइम आ गया कि गैसेस ने अर्थ को पकड़ लिया ठीक है हिंदी में भी सेम सारी चीजें लिखी हुई है बेटा कि ज्वालामुखी के थ्रू ये सारी चीजें बाहर आती थी हाँ हाँ अजीत साहू हिंदी में भी बता रहा हूं भाई ठीक है ये हिंदी में बता रहा हूं आपको अब क्या हुआ जब ये चीजें निकलने लगी तो मैंने कैसा बताया कि कंडेंसेशन हुआ कंडेंसेशन हुआ मतलब बादल बने जब बादल बने बादल बनने के, के बाद क्या होता बारिश प्रेसिपिटेशन हुआ बारिश हुई तो रेनफॉल से क्या हुआ जो सीओ थी वो धुल गई और अर्थ के ऊपर जितने भी गड्ढे थे धरती ऐसी गोल तो थी नहीं उबड़ खाबड़ थी तो वो एरिया जो लो लाइंगड एरिया था वो एरिया जिसकी डेप्थ थी जो गहरा था उस एरिया के अंदर वाटर एक्यूमलेट हुआ और जब उसके अंदर वाटर एक्यूमलेट हुआ तो एक तरह की बैक्टीरिया थी जिसका नाम था साइनो बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया आई और इस बैक्टीरिया ने सांस लेना शुरू किया मतलब एनेरबिक एनेरबिक मतलब

इसने क्या किया इसने एनरोबिक रेस्पिरेशन किया कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक किया और ऑक्सीजन निकाला जब इसने कार्बन को रेगुलर लेता गया ऑक्सीजन को रेगुलर गया तो धीरे-धीरे ऑक्सीजन धीरे, का परसेंटेज हमारे एटमोस्फियर में एड होता गया और इसके बाद एटमोस्फियर के अंदर क्या आया ऑक्सीजन और इसके बाद एटमोस्फियर के अंदर ऑक्सीजन आया जिससे आप में हम सब मिलकर सांस ले पा रहे गेटिंग माई पॉइंट समझ में आ गया जल्दी बताओ बेटा कोई डाउट है आगे बढ़े इस तरह से हमारे वातावरण की उत्पत्ति हुई थी क्लियर है चलिए ठीक है हर्षिका थैंक यू विनय थैंक यू बेटा चलो सबको प्रॉपरली समझ में आ गया सारी चीजें कि रेस्पिरेशन हुआ उसने बैक्टीरिया ने सारी चीजों को अंदर खींचा और सारा निकाल के बाहर निकाल दिया इतना सारा बैक्टीरिया था हाँ बेटा इसको बोला गया था कीमोसिंथेसिस की प्रोसेस और ये जो कीमोसिंथेसिस की प्रोसेस थी इसमें पहली बार लाइफ का फॉर्मेशन हुआ था इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया ठीक है मनीषा हिंदी में भी बताया बेटा मैंने आपको यहां लिखा हुआ है आप ठीक है यहां देख लीजिए हिंदी में भी है चलो ओके okay, आगे बढ़ते हैं चीजों को ओर डीप ओर डिटेल में जानते हैं अब कंपोनेंट ऑफ एटमोस्फियर वायुमंडल के घटक अब अच्छा इतना समझ में आ गया हमने कि हमारा एटमोस्फियर कैसे बना एक ब्रीफ नॉलेज आपको बता देता हूं कि हमारे एटमोस्फियर हमारी जो प्यारी धरती थी इस धरती पर इनिशियल स्टेज पर कई सारे ज्वालामुखी थे जहां से लावा इमिट आउट होता था साथ ही साथ गैसेस निकलती थी गैसेस जब निकलती थी तो निकलती दूर चली गई निकले दूर चले गए निकले दूर चले गए धीरे धीरे अर्थ ठंडी होने लगी और जब अर्थ ठंडी होने लगी तो ठंडी होने के बाद क्या हुआ इसके ऊपर बारिश हुई बारिश होने के बाद इसके अंदर जितने भी गड्ढे थे उन गड्ढों के अंदर पानी भर गया जैसे आपको अटलांटिक दिखाई दे अटलांटिक है ना आ, ये जो अटलांटिक आपको दिखाई दे रहा राइट नाउ इसके बाद जो पैसिफिक आपको दिखाई दे रहा ये पहले गड्ढा था फिर जब वो एसटूओ से जो बारिश हुई थी उस गड्ढे से इसका पानी भर गया ठीक है तो उस एसटूओ से इसका पानी भर गया गड्ढा भर गया अब इसके अंदर क्या आ गया इसके अंदर एक बैक्टीरिया है जिसका नाम था साइनो बैक्टीरिया साइनो बैक्टीरिया ने सांस लेना शुरू किया रेस्पिरेशन शुरू किया इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन जब उसने रेस्पिरेशन स्टार्ट किया तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक्ट किया ऑक्सीजन ऑक्सीजन को निकाला अभी तक जहां भी भी हमने बात की कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं था वो मिलता था वो मिलता या या कार्बन के साथ हाइड्रोजन के साथ गेटिंग पॉइंट चलो इतना देख लिया अब समझ तो गए अर्थ आ, का एटमोस्फियर कैसे बना था अब हम ये जानेंगे कि हमारा जो एटमोस्फियर था ये किन किन चीजों से मिलके बना होता है याद रखना बेटा क्लाइमेटोलॉजी इन तीन शब्दों के ऊपर टिकी हुई है जो मेरे पीछे ठीक है जो मेरे पीछे तीन वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं इन तीनों वर्ड्स के ऊपर पूरी क्लाइमेटोलॉजी टिकी हुई है कौन कौन से पहला गैसेस दूसरा आपका वॉटर वेपर और तीसरा आपका डस्ट पार्टिकल मतलब गैस जलवाष्प और धूल के कर्ण अब ये आपको दिखाई दे रही दिस इज द गैस हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर तीन चीज है नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन तो ये तो हो गई एटमोसफियर के अंदर गैस दूसरा क्या हो गया आपका वाटर वेपर वाटर वेपर मतलब कि जब वाटर इवोपरेट होता है धरती से इवोपरेट धरती से ही होता है भाई तो जब पानी इवोपरेट होता है पानी इवोपरेट होता है तो वाटर विल गोइंग टू कन्वर्टेड इन टू दॉटर वेपर। पानी किस में बदल जाएगा जलवाष्प में और जलवाष्प कहां एंटर करेगी आसमान के अंदर जस्ट बिकॉज विद द हेल्प ऑफ लेट हीट ऑफ इवोपरेशन उस लेटेंट हीट के कारण वो बदल के आसमान की तरफ जाएगी ठीक है इतना हो गया डस्ट पार्टिकल कहा मिलते डस्ट पार्टिकल आसमान के अंदर मिलते इन्हीं डस्ट पार्टिकल के अंदर हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता ठीक है तो आसमान का रंग नीला नहीं है इट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइफ वो एक फरेब है ठीक है उसको तो एक ट्रांसपेरेंट है फरेब है वो सही आसमान का कोई रंग नहीं है इट इज द डस्ट पार्टिकल जिसकी स्कैटरिंग के कारण हमें सुबह और शाम की लालिमा के वक्त ड्यूरिंग द डाउन एंड डस्क आपको सुनहरा और एक लाल कलर का स्काई दिखाई देता है ठीक है ओके इतना समझ में आ गया हाँ जी सर आ गया ठीक है चलिए आगे बात करते एक एक करके इन चीजों को डीप में समझते सबसे पहले बात करते गैस के बारे में ठीक है तो गैस दो प्रकार की होती है बेटा गैसेस जितनी भी होती है जो हमारे एटमोस्फेयर में मिलती है दो प्रकार की होती है एक कॉन्स्टेंट गैस और एक वेरिएबल गैस कॉन्स्टेंट गैस कौन सी गैस होती है उनकी रचना हमेशा वातावरण में स्थिर होती है मतलब कांस्टेंट गैस guess वो गैसेस होती है जिनका परसेंटेज कभी फ्लक्चुएट नहीं होता कांस्टेंट गैस वो होती है जिनका परसेंटेज फ्लक्चुएट नहीं होता वेरिएबल गैस वो होती है जिनका जो वो होता है क्या बोलते हैं कॉम्पोजिशन जिनका हमारे एटमोस्फेयर में कितना उनका कंटेनमेंट है वो बार बार चेंज होता रहता है तो ये हो जाएगी आपकी वेरिएबल गैस एक तरफ कांस्टेंट गैस जिस जा, जिसका परसेंटेज कभी चेंज नहीं होता और एक वेरिएबल गैस जिसका परसेंटेज चेंज होता है ठीक है कांस्टेंट गैस मतलब द देयर कंपोजिशन ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट देयर कंपोजिशन चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक है ओके अब कांस्टेंट गैस में कौन-कौन सी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर तो सबसे पहले नाइट्रोजन ठीक है 78% दूसरा ऑक्सीजन 21% और तीसरा नियॉन 0.002% ठीक है ये आपकी कौन सी हो जाएगी कॉन्स्टेंट गैस वही वेरिएबल गैस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड ओजोन और मीथेन मिथेन इनको हम वेरिएबल गैस के अंदर लेंगे ठीक है मतलब इनका वो कंपोजिशन चेंज होता रहता है अब आपको मैं बताता हूं कार्बन डाइऑक्साइड का देखो सबको आवाज आ रही मेरी सभी लोग क्लास के अंदर हो कहां गायब हो गए होल्डेबल विजिबल परफेक्टली फाइन ठीक है जोश आई है सभी का ओके क्या बता रहा था मैं भूल गया क्या नहीं बोला मैं मुझे सब याद है ओके हम बात कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन के बारे में कि हाउ डिफोरेस्टेशन इम्पैक्ट डिफोरेस्टेशन का मतलब होता पेड़ों का काटना ठीक है डिफोरेस्टेशन का मतलब होता पेड़ों का काटना अब एक पेड़ है मेरे पास बेटा ठीक है ये इस पेड़ को काटने का क्या मतलब कितनी दिक्कतें हो सकती है पहली दिक्कत कि ये जो पेड़ है ये पेड़ अब आपको ऑक्सीजन नहीं देगा समझ बहुत बड़ा दिक्कत है बहुत बड़ा इश्यू है कि ये पेड़ अब आपको ऑक्सीजन नहीं देगा पहली दिक्कत दूसरी दिक्कत ये आपको ये आपको ऑक्सीजन तो नहीं दे रहा अभी है ना और ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले रहा है समझ रहे हो समझ रहे हो इस पॉइंट को बहुत बड़ा पॉइंट है इसको ध्यान से देखना पहला तो आपको कार अब वो कट गया वो था जीवित वो था जीवित वो था जमाना गुजर गया कब का वो था दीवाना मर गया कब का उसका दुख वो जाने अपना तो जख्म भर गया कब का तो ये जो पेड़ था ये जीवित था तब तक इसने क्या किया आपको ऑक्सीजन दी बिना किसी चीज को मांगे दी इसने ठीक है आपने ली ओके आपकी कार्बन डाइऑक्साइड इसने ली मतलब आपको अच्छी चीज दी और आपके द्वारा प्रोड्यूस की गई खराब चीज उसने ली अब जैसे वो कटा तो नुकसान दो लेवल पर हुआ पहला अब ऑक्सीजन वो दे नहीं पा रहा ऑक्सीजन वो दे नहीं पा रहा और कार्बन वो ले नहीं पा रहा तो अर्थ का टेम्परेचर शार्पली ग्रो करेगा अर्थ का जो टेम्परेचर होगा वो शार्पली ग्रो करेगा हंज रहा शार्पली क्यों ग्रो करेगा क्यों ग्रो करेगा क्योंकि अब कार्बन डाइऑक्साइड जो आपको ये इंटेक कर रहा था वो तो पोजीशन ही खत्म हो गई यहां पे। तो इस तरह से जीवन में कभी भी एक पेड़ काटो उस पेड़ को काटने के लिए दो चीज याद रखना पहला इसको मैं हमेशा मेरे जीवन में अपनाता आया हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी इस चीज को अपनाओ क्या रिस्क एंड बेनिफिट फैक्टर कि आप जो भी कर रहे हो अच्छा पेड़ पे ही मत जाओ जितने भी आप लोग बच्चे हो बड़े बच्चे हो सभी को मेच्योर हो उस हिसाब से बता रहा हूं इसको कि कभी भी किसी भी चीज हो कोई सा भी पॉइंट हो लाइफ में उसको दो तरीके से लेना एक रिस्क और एक बेनिफिट्स कुछ भी करने का मन हो है ना सोच लेना सपोज करो कि आपका मन कर रहा है कि मैं स्कूल छोड़ दूं एक छोटा सा चलो ये तो कोई लॉजिक नहीं है दूसरा एक वो लेते हैं कि मैं पढ़ाई करना आप छोड़ देता हूँ बहुत परेशान हो गया तो दो चीज लेना उससे मुझे रिस्क क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या है रिस्क क्या होगी कि कैरियर खत्म और उससे बेनिफिट क्या होगा आपको क्या बेनिफिट होगा कि इनिशियल स्टेज पर आप थोड़ा सा अपने आप को चिल फील कर लोगे कि राइट चिल मैं ठीक हूं मैं खुश हूं थोड़ी देर के लिए अब पूरा कैरियर गया यहाँ तो जब आपने छोड़ा और यहाँ पर क्या हुआ आपको थोड़े टाइम के लिए अच्छी फील हो गया तो रिस्क किधर और बेनिफिट फैक्टर में जीत किसकी हुई रिस्क की अगर रिस्क की जीत हुई तो मत करो वो काम एक पेड़ को काट रहे हो तो रिस्क और बेनिफिट देख लो फिर तो रिस्क, रिस्क कितने रिस्क कितने कि ये आप छाऊ नहीं दे पाएगा ये ऑक्सीजन ले नहीं पाएगा ठीक ये ऑक्सीजन दे नहीं पाएगा ये कार्बन ले नहीं पाएगा ठीक है ये लकड़ी नहीं दे पाएगा ये फ्रूट्स नहीं दे पाएगा बेनिफिट क्या है कि आपको डेवलपमेंट करना है देख लो रिस्क बेनिफिट में क्या चीज सही रहेगी बस इसी के हिसाब से आगे बढ़ना जीवन में हमेशा हमेशा बेटा आप लोग की इतनी छोटी उम्र है जितने भी बच्चे आप मेरे सामने हो आप लोगों की इतनी कम एज है कि कभी भी शॉर्ट टर्म चीजों के लिए अपनी लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी को बर्न मत करना कभी भी बर्न मत करना एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं कि हम अगर गड्ढे में बैठे ठीक है हम गड्ढे के अंदर है और गड्ढे के अंदर ठंड है ठीक है मैं गड्ढे के अंदर बैठा हूं अंदर एक बड़ा सा गड्ढा है सो फीट का और उस सो फीट के गड्ढे में हाथ मतलब वहां बैठा गड्ढे के अंदर मैं यहाँ पर बैठा हूं और मेरे को ठंड लग रही है बहुत तेज, बहुत तेज तेज ज्यादा मुझे ठंड लग रही है। तो ऊपर से एक लकड़ी आई ठीक है एक लकड़ी आई और नीचे आके गिर गई थीक? अब जब वो लकड़ी आई तो आपने क्या करना है आपने क्या करना है दो काम कर सकते हो एक उस लकड़ी को जलाकर आग से हाथ सेक लो और उस छोटे से मूवमेंट के लिए अपने ठंड को भगा लो या फिर उस लकड़ी से सीढ़ी बनाओ वो सीढ़ी बना के उस गड्ढे से बाहर निकलो फिर ठंड भी खत्म होगी नजारा भी दिखेगा और एक ग्रोथ भी आएगी गेटिंग माई पॉइंट कि यहां पर अगर उस गड्ढे के अंदर आपने उसको जला लिया तो शॉर्ट टर्म लिए आपने लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी को बर्न कर दिया ऐसा कभी नहीं करना बेटा जीवन में आ, कमला यादव जो बेटा आपका क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का लेवल भी रिड्यूस होता है ऐसा नहीं होता कमला ठीक है ऑक्सीजन का जो लेवल है इतने माइनर लेवल पे हम इसमें यूज करते हैं किस चीज के अंदर इतने माइनर लेवल पर यूज करते हैं रेस्पिरेशन के अंदर कि वो हाई लेवल पर इंपैक्ट हो ही नहीं पाता ठीक है तो ये इसका मेन चीज रही गेटिंग माई पॉइंट ओके okay. अगला अब इन गैस के बारे में बात कर लेते हैं इनका काम क्या होता है क्यों हमने इनके बारे में पढ़ा इनके बारे में हमने पढ़ा ऑक्सीजन क्योंकि ऑक्सीजन को हम यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए मतलब तो सांस लेने के लिए इसलिए हम इतना इसको यूज करते हैं किसको ऑक्सीजन को दूसरा कंबशन कंबशन का मतलब होता है जलाना अगर आप इस जगह से ऑक्सीजन हटा दोगे तो आप कितने ही रुक जाओ आग जलेगी ही नहीं आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है ठीक है आपने चूल्हा देखा है सभी लोगों ने देखा है ना चूल्हा देखा अब चूल्हा जो होता है गांव में वो छोटा सा गोल वाला उस चूल्हे के अंदर क्या होता हम बहुत सारे कंडे भर देते हैं लकड़ी भर देते अब चूल्हा जलता रहता और बहुत सारे कंडे और लकड़ी अगर उसके अंदर डाल दिए तो चूल्हे को और तेज जलना चाहिए ये तो उसका फ्यूल है ना बट चूल्हा धीरे धीरे बुझ जाता धुआं देने लगता है क्यों क्योंकि आपने ऑक्सीजन ब्लॉक कर दी तो कंबेशन के लिए हमेशा ऑक्सीजन की जरूरत होती है दूसरा नाइट्रोजन ठीक है अगला होता आपका नाइट्रोजन नाइट्रोजन में क्या सीन होता बेटा सर जब हम किसी ट्री की ब्रांचेस कट कर, कर, कर करते हैं तब उसके बाद वो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। नहीं करता नवीन कुमार शर्मा नहीं करता बेटा उसके बाद वो खत्म हो जाता है है ना जब आप खुद समझ लो जब तक मेरे मैं सांस ले सकता हूं तब तक मैं जिंदा हूं अगर मैं मतलब

और रूट के अंदर जाता है और रूट से पेड़ उसे अंदर लेते और अंदर लेने के बाद ग्रोथ करते तो नाइट्रोजन इस तरह से हेल्प करता कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम होता है पहला तो फोटोसिंथेसिस एक बात याद रखो कार्बन डाइऑक्साइड को बुरा भी मत बोलो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हट गई तो पेड़ पौधे जो होंगे वो क्या इंटेक करेंगे और अगर पेड़ पौधे इंटेक नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन कैसे देंगे तो कार्बन को जो उसकी जगह है वो ठीक है उसको होने दो बात ऐसी उसका जो एम्पल अमाउंट में जो हम इमिशन करते वो गलत है ठीक है तो कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है कि वो फोटोसिंथेसिस के काम में आता है ठीक है इसके बाद है ये जो मैंने आपको अभी ग्रीन हाउस में बताया था कि लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को री रेडिएट करके अर्थ पर भेज देता उनको एटमोस्फेयर से बाहर जाने ही नहीं देता भाई एटमोस्फियर से बाहर जाने नहीं देगा तो क्या हो जाएगा ये आई और यहां पर आकर के ब्लॉक हो गई ब्लॉक हो गई तो अर्थ का जो टेम्परेचर है धीरे धीरे शार्पली ग्रो करने लग जाएगा ठीक है इसके बाद अगला द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेजुअली इंक्रीज ड्यू टू दी फोजिल फ्यूल स्मोक जो fossil fuels थी बर्निंग कर रहे फ्यूल क्या होते पेट्रोलियम नेचुरल गैस कोयला कोल है ना ये सारी चीजों के बर्न होने के कारण और डिफोरेस्टेशन के कारण कार्बन का जो कॉन्सेंट्रेशन है एटमोस्फेयर के अंदर वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है ठीक है वो धीरे धीरे जब इंक्रीज होता जा रहा है तो वो नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा ठीक है यस नकुल कुमार महोता बताओ बेटा अगली जो स्लाइड आएगी ना वो हिंदी में ही आएगी बेटा अब इसके बाद अगली गेस आती है दैट इज ओजोन ओजोन के बारे में सभी जानते हो ओजोन को हम इस इस फॉर्मूले के साथ लर्न करते हैं। इसको बोलते ओ थ्री

माफ कर दो बेटा मुझे मुआफ कर दो अब देखो हिंदी में समझो ओजोन यह निचले वायुमंडल में निलंबित है ठीक है हमें हानिकारक पेरा बेगनी किरणों से बचाता है ये पॉइंट को नोट कर लेना आप लोग कि जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है इन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से वो हमें बचाता है सर ट्री नाइट में कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड देता है ना हाँ रात में पेड़ भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है पर बहुत मिनिमम अमाउंट में ठीक है इसकी मोटाई को डोप्सन इकाई से नापा जाता है ये जो मोटापा होता है ना इसको डोपसन की इकाई से बेटा नापा जाता है ओजोन के अंदर छिद्र हो चुका था ओजोन जो है वहां पर छिद्र हो चुका कहा हुआ था आपके पोल के पास इस वाला जो पोलर एरिया है जिसमें अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका के ऊपर हॉल हो चुका था ओजोन के अंदर वहां से ओजोन एंटर कर चुकी थी फिर इस ओजोन से बचाने के लिए विश्व देखो क्या होता है जब पेरा बेग्नीकरण पेरा किरण जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज एंटर करके अर्थ के सरफेस पर आ जाएगी तो सरफेस पर आने के बाद क्या होगा उससे कैंसर होना स्टार्ट हो जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होने लग जाएगी बॉडी के अंदर जो मेनलिन बनता है वो खत्म होने लग जाएगा इन सारी चीजों के चलते हुए तबाही मच जाएगी तो विश्व के सारे जितने भी एक्टिविस्ट थे जितने भी जलवायु जलवायु के वैज्ञानिक थे वो सभी लोग आए और सभी लोग आने के बाद उन्होंने मोंट्रियाल नाम की एक जगह है कैनेडा के, के अंदर वहाँ जाकर सभी लोगों ने डिसाइड किया कि एक प्रोटोकॉल साइन करते हैं और प्रोटोकॉल साइन करने के बाद डिसाइड करते हैं कि हर वो तत्व जो ओज़ोन को डिप्लीट कर रहा है जो ओज़ोन को ख़त्म कर रहा है उस तत्व को हमें ख़त्म करना है तो हमारे सामने क्या आया हमारे सामने आया वो तत्व जिसका नाम था क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसा पदार्थ था एक ऐसी गैस थी एक ऐसा एलिमेंट था मतलब ऐसा कंपाउंड था तीन चीजों से मिलके बना तो जो कि हम जिसको हम कोल्ड स्टोरेज में यूज करते थे जैसे बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज होते ना जहां अनाज रखते जाते वहां यूज करते थे उसके बाद रेफ्रिजरेटर में यूज करते थे उसके बाद हम उसको यूज करते थे किसके अंदर आपका फ्रीजर के अंदर तो वो रेगुलर इमिट हो रहा था तो हमने 1987 16 सितंबर के दिन डिसाइड किया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को करो बंद क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किया बंद और जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किया बंद तो उसके बंद होते से ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बंद होते से ही जो ओजोन की ये है डॉप्सन लिमिट ये खुद से भरने लगी और जब ये खुद से भरने लगी तो ओजोन का जो होल था वो कंप्लीटली खत्म हो गया और वहां पर प्रॉपर लेयर आ गई ठीक है तब से हमने इसको वर्ल्ड का आज तक का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्रोटोकॉल माना जाता है इस प्रोटो प्रोटोकॉल को क्यूटो मोन्ट्रियाल प्रोटोकॉल को ये जो मोन्ट्रियाल प्रोटोकॉल था बेटा इस मोन्ट्रियाल प्रोटोकॉल के अंदर इसको 16 सितंबर के दिन साइन किया गया था तब से आज तक विश्व का ओजोन डे इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है सी एच एस एल के अंदर क्वेश्चन पूछा था ये कि ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया गया था और सी डी एस सर्विसेज के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि 2019 में जो ओजोन डे सेलिब्रेट किया गया था उसकी थीम क्या थी ठीक है इस तरह से ओके अब <coughs> वाटर वेपर की बात करते हैं वाटर वेपर का क्या सीन होता है तो वाटर वेपर जो होते हैं हमारे एटमोस के, के अंदर जो मिलती है वो जीरो से पांच परसेंट की वॉल्यूम लेती है हमारा एटमोस्फियर अगर सो है सो परसेंट है तो इस सो परसेंट का पांच परसेंट भाग किसने ले लिया आपका किसने ले लिया बेटा वॉटर वेपर ने लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन संधु में आगे बताऊंगा ठीक है हां त्रिलोक कुछ हद तक कम हुआ था कोरोना के वक्त ठीक है तो जीरो से पांच प्रतिशत वॉल्यूम हमारे एटमोसफियर की ये कवर करके रखता है क्लाइमेटिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टुएंट ऑफ आर एटमोसफियर हमारे एटमोस्फेयर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टुएंट होता है क्या आपका वाटर वेपर ठीक है वाटर वेपर हमारे एटमोसफेयर में किसकी मदद से हेल्प होती है एड होती है तो वास्मीकरण की प्रक्रिया से वाटर वेपर हमारे एटमोसफियर के अंदर आती है ठीक है वास्मीकरण भूमध्य रेखा के पास अधिक होता है और ध्रुवों के पास कम होता है ठीक है वाष्मीकरण जो होता है रेट ऑफ इवॉपरेशन किसके ऊपर डिपेंड होती है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होती है इसके साथ साथ रेट ऑफ इवॉपरेशन आपकी सरफेस एरिया पर भी डिपेंड होती है कैसे जैसे ये देखो इवोपरेशन कहां से ज्यादा होगा ये है आपकी थाली और यह है आपका ग्लास ऐसे लिखते ना ग्लास हिंदी में तो थाली एक है ग्लास मुझे आप बताओ इवोपरेशन कहां से सबसे ज्यादा होगा संधु मैंने बोला ना बेटा लोंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन समझा रहा हूं दो तो मिनट तो रुक जाओ जो टॉपिक है उसको तो खत्म कराने दो तो। कहां से इवोपरेशन ज्यादा होगा है ना क्यू क्यों बेटा क्यों होगा यहां से यस yes. राज तारवे बिल्कुल सही बेटा बिकॉज इट हैड मोर सरफेस एरिया इट हैज मोर सरफेस एरिया इसका सरफेस एरिया ज्यादा है इसका सरफेस एरिया कम है जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है वो ज्यादा धूप लेगा वो ज्यादा ज्यादापरेट करेगा इसीलिए समंदर से ज्यादा ईपरेशन होता है कंपेयर टू तालाब और जमीन ठीक है तो इक्वेटर के पास जहां धूप ज्यादा गिरती है वहां पर इवोपरेशन भी ज्यादा होगा और पोल जहां पर धूप कम गिरती है वहां इवोपरेशन भी कम होगा तो अगर वाटर पेपर की बात करोगे तो आपको इक्वेटर के पास ज्यादा मिलेगी और पोल के पास कम देखने को मिलेगी ठीक है बेटा यहां तक किसी को कोई डाउट है आगे बढ़े यहां तक किसी को कोई इश्यू हो तो बता दो मुझे हाँ विनय बिल्कुल सही बेटा सरफेस एरिया ज्यादा है उसका ऑल क्लियर जितना भी कुछ पड़ा अभी तक हमने सारा आप लोगों ने समझ में आ गया हाँ जी सर आ गया ठीक है चलो भाई अब बात करते डस्ट पार्टिकल की हमने दो चीज देख ली एक तो गैसेस जो हमारे एटमोसफेयर में मिलती दूसरा वाटर वेपर जो एटमोसफियर में मिलती है अब तीसरे आते हैं आपके धूल के कण जिसे हम बोलते हैं डस्ट पार्टिकल्स तो डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं उस बारे में जानते हैं द सोलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमोसफियर इंक्लूड पार्टिकुलेट मेटर सोल्ड पार्टिकल्स स्मोक्स एंड बोल्केश हमारे एटमोसफियर के अंदर ये लो हिंदी में भी वायुमंडल के अंदर मौजूद ठोस कणों में से पार्टिकुलेट मेटर नमक के कण धुआं और ज्वालामुखी की राख शामिल होती है ये सारी चीजें हमें हमारे एटमोसफियर के अंदर देखने को मिलती है यही सारी चीज होती है जिनसे मिलके बनता है आपका डस्ट पार्टिकल ठीक है डस्ट पार्टिकल जो मैंने आपको बताई जो डस्ट मैंने बताई उसके अंदर नमक के कण कहां से निकलते ज्वालामुखी के अंदर से जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो निकल के बाहर जाते हैं तो नमक के कण धुआं ज्वालामुखी की राख पार्टिकुलेट मैटर मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स ये सारे पार्टिकल्स कहां जाते हैं आपके एटमोस्फियर के अंदर जब ये सारे पार्टिकल्स आपके एटमोस्फियर के अंदर जाते हैं, वहां एड होते हैं तो ये क्या बनाते हैं आपका ये आपका बनाते हैं डस्ट पार्टिकल्स, ठीक ठीक, है? पार्टिकुलेट मेटर हेल्प टू स्कैटरिंग ऑफ सोलर रेडिएशन ये जो पार्टिकुलेट मेटर्स होते हैं ये हेल्प करते हैं सोलर रेडिएशन के स्कैटर्ड होने के लिए ठीक है जो विच एड्स द वेराइट चार्मिंग कलर ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त आपको जो लाल कलर और सुनहरा कलर आसमान के अंदर एक बार पूरब में और एक बार पश्चिम में जो दिखाई देता है वो कलर जो होता है वो इन डस्ट पार्टिकल्स की वजह से होता है द स्काई अपियर ब्लू ड्यू टू दैटरिंग ऑफ लाइट मैंने कहा था आपको लाइट के स्कैटर होने के कारण स्काय आपका नीले रंग का दिखाई देता है ठीक है अविका गौतम थैंक यू बेटा अच्छा बात समझो कि स्काई ब्लू नहीं होता स्काई ब्लू नहीं होता स्काई तो ट्रांसपेरेंट है बट ये डस्ट पार्टिकल के ऊपर जो लाइट स्कैटर्ड हो रही उसमें ब्लू कलर की वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा ठीक है तो आपने सुना होगा ना यू आर द स्काई ऑफ माई लाइफ एंड रेस्ट ऑफ आर क्लाउड्स आप मेरे जीवन के आसमान हो जो कि हमेशा रहेगा और बाकी सब बादल है जो आते रहेंगे जाते रहेंगे आप लोगों ने मारा होगा ना डायलॉग अभी अभी व्हाट्सएप चैट पर किसी को दिया होगा ये धर के रात का वक्त में शाम को कि आप वो जो बताया मैंने अभी ठीक है तो ये था आपका कलर स्काई का ब्लू क्यों दिखाई देता इस बारे में हमने बात की द सोल्ड पार्टिकल्स बिकम हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियर हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड ये जो सोल्ड पार्टिकल्स होते हैं जो सोल्ड पार्टिकल्स होते हैं ये सोल्ड पार्टिकल्स बनाते एक सेंटर समझना इस बात को ये जो पार्टिकल्स होते, एक सेंटर बनाते जिसके अराउंड जाकर के अराउंड जाकर के वाटर वेपर एक्यूमलेट हो जाती है और एक्यूमलेट होने के बाद आपका बनता है क्लाउड ये जो क्लाउड होता आपका ये क्लाउड किसके बाद बनता है इसके बाद ठीक है किसके बाद कि ये जो डस्ट पार्टिकल है इस डस्ट पार्टिकल के अराउंड सारी की सारी चीज आ जाएगी सारी की सारी चीज आ जाएगी मतलब एक डस्ट पार्टिकल इसके अराउंड सारा वाटर वेपर एक्यूमलेट होगा फिर बनेगा बादल सर हमारा वायुमंडल तो पूरी तरह से खुला है लेकिन डस्ट हमारे वायुमंडल के अंदर ही क्यों रह जाता है क्योंकि बेटा काव्या इसके ऊपर लगता ग्रेविटेशनल फोर्स जितनी भी सॉलिड चीजें उनके ऊपर लगता ग्रेविटेशनल फोर्स तो बाइंड अप हो जाती है अर्थ के साथ वो बाहर नहीं जा पाती ठीक है जितना भी आप स्पेस के अंदर इस स्पेस से बाहर जाते जाओगे आपका एटमोस्फेयर रेरिफाइड होता जाएगा ये लो बेटा, हिंदी में अपन बात कर लेते हैं पार्टिकुलेट मेटर सोल विकिरण की प्रकिरण में मदद करते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त जो आकर्षक रंग आपको दिखाई देते हैं वो किसकी सहायता से होते धूल के कणों की वजह से धूल के कण के द्वारा सोल विकिरण की प्रक्रिया के प्रकरण के कारण आकाश नीला दिखाई देता है ठीक है सौर विकिरण की प्रण ऋण के, के कारण ये नीला दिखाई देता है नमक के कारण हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया जो था जिसके बारे में नाभिकी बना करके बादलों का निर्माण होता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बादल होते हैं उनका निर्माण कब होता है कि एक सेंटर लेगा जिसको नाभिकी बनाएगा न्यूक्लियस बनाएगा और उसके अराउंड वो पानी एक्यूमलेट हो जाएगा वो फिर इस तरह से बादल आपका बनता है गेटिंग माई पॉइंट समझ में आ गया इतना तो ये तीन चीजें थी नहीं संधु स्काई जो है वो सिर्फ स्कैटरिंग के कारण ब्लू दिखाई देता है यहां तक कोई डाउट है हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया जो सबसे पहला पार्ट था ना जो हमने देखा था कंपोजिशन ऑफ एटमोसफियर तो एटमोस्फियर की कंपोजिशन हो गई अब हम बात करेंगे हमारे एटमॉस्फेयर की बनावट कैसे हुई हाँ जो वहां पढ़ाया था वो सी सी एच एस एल के लिए भी सफिशियंट है बेटे क्या नाम रखते हो आप मां का मगरमच्छ मगरमच्छ बनना है तो माँ को क्यों एड कर रहे हो अपना नाम खुद से डिटरमाइन कर लो बेटा ऐसे नाम मत रखा करो देखो मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती ये जो आजकल के नौजवानों को हो गया ना कूल दिखना है चिल लगेंगे ये रखते नाम वो रखते हैं कल एक नाम देखा मैंने कुछ अजीब ही नाम था मतलब पढ़ नहीं सकते ऐसे नाम के साथ आप आते हो अपनी अपब्रिंगिंग्स देखो कि माँ बाप ने तुमको कैसे पढ़ाया भाई कैसे तुमको आगे खड़ा किया है आप ये नाम रख के आते हो अच्छा नहीं लगता शोभा नहीं देता बेटा मैं आपको डांट नहीं रहा हूं ना बेटा मैं आपको डांट नहीं रहा हूं मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूं कि चीजें आप चलो आप मेरे भाई जैसे हो है ना मैं आपको बता रहा हूं जब यही चीजें आप जीवन में किसी ऐसी जगह करोगे ना तो वहां पर टोलरेट नहीं हो पाएगी ठीक है तो ऐसा मत किया करो ओके बड़े आगे चलो भाई अब एटमोसफियर के स्ट्रक्चर की बात करेंगे मतलब हमारे एटमोस्फियर की बनावट की बात करेंगे किस तरह से हमारा एटमोसफियर बना हुआ है अजीत साहू भाई हिंदी में बोल रहा हूं यार सर आप हिंदी में बोलो ना ये पूरा हिंदी में उसको लेक्चर दिया मैंने अभी मगरमच्छ को पूरा तो हिंदी में बोल रहा हूं ठीक है मैं ट्राई कर रहा हूं ना पूरा आप लोगों आप ना टेंशन मत लो आपको पूरी चीजें यहां पर दोनों चीजें अवेलेबल करवा के जाऊंगा और एक और बात मैं आपको बता दूं बेटा संधु जो आप थे एक और बात मैं आपको बता दू जीवन में अंग्रेजी बहुत ज्यादा जरूरी है ना दोनों चीजें समझो मैं आपको दोनों बताऊंगा आप ये स्ट्रक्चर है देख लो अगली स्लाइड के अंदर हिंदी में लेके ले आया हूं मैं ये मेरा काम है कि मैं आपके लिए कुछ लेकर आया बात यही है कि आपको बेटा ये दोनों लर्न करना है याद रखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ठीक है ओके चलो द एटमोसफियर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर लेथ वेराइंग डेंसिटी एंड टेम्परेचर जो हमारा एटमोस्फियर है वो अलग अलग डेंसिटी अलग अलग टेम्परेचर के आधार पर अलग अलग सर्कल्स में बना है वायुमंडल घनत्व और तापमान में विभिन्नता के साथ विभिन्न परतें होती है हमारा जो वायुमंडल है इस वायुमंडल के अंदर अलग अलग लेयर से ट्रोपोस्फियर मतलब शोमंडल समताप मंडल फिर मिजोस्फियर फिर कर्मान लाइन थर्मोस्फियर थर्मोमंडल मतलब थर्मोस्फियर एक्सोस्फियर ये सारी जो भी चीजें होती हैं, हमारे एटमोस्फेयर में किस बेसिस पर होती भाई ये होती है आपके डेंसिटी मतलब घनत्व और आपका तापमान उसके आधार पर हमने अलग अलग लेयर्स बना दी है एटमोस्फेयर के अंदर ठीक, द डेंसिटी इज हाइएस्ट नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग द हाइट जो डेंसिटी होती है वो डेंसिटी अर्थ के सरफेस पर हाईएस्ट होती है और जिसे आप ऊपर जाते हो आपका एटमॉस्फेयर रेरिफाइड होने लगता है छिछला होने लगता है और छिछला होने के कारण क्या होता है डेंसिटी घनत्व कम हो जाता है सर वन डाउट ओजोन साइकिल क्या है ओजोन साइकिल में क्या होता है बेटा जो ओजोन लेयर है ओजोन लेयर में ओ3 में से एक ओ का टूटना और ओ2 में कन्वर्ट होना फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम अगेन ओ3 का बनना ठीक है दिस इज द ओजोन साइकिल इतना समझ में आ गया इतना आ गया इतने में किसी को कोई डाउट तो नहीं है डेंसिटी और टेम्परेचर के बेसिस पर मैंने अलग अलग स्ट्रक्चर अलग अलग लेयर्स इसकी बना दी ठीक है ओके द ऑफ इज डिवाइडेड फाइव लेयर जो हमारा एटमोस्फियर है वो पांच परतों के अंदर विभाजित है जो तो एटमोस्फियर है हमारा वायुमंडल के स्तंभ को पांच अलग अलग परतों में विभाजित किया गया है वायुमंडल की ऊंचाई औसतम समुद्र के तल से लगभग उनतीस हजार किलोमीटर तक है वैसे बात करोगे तो एक हजार किलोमीटर में हमारा एटमोस्फियर सिमट जाता है बट अगर पूरे को ले ले हम तो स्पेस पर फेडेड होने तक हमारे एटमॉस्फेयर की हाइट होती है उनतीस किलोमीटर ठीक है नाइनटी परसेंट जो एक्टिव एटमोस्फियर है वो आपका पच्चीस किलोमीटर तक मिल जाता है इस पच्चीस किलोमीटर की हाइट तक आपका संतानवे प्रतिशत एटमोस्फियर मिल जाता है अच्छा हमको सिर्फ इस 25 किलोमीटर से मतलब है क्योंकि तो हमको जो हवा हमारी चलेगी वो यहीं चलेगी जो बारिश हमारी होगी वो यहीं होगी जो थंडर स्टोर्म्स हमारे होंगे वही होंगे जो बिजली चमकेगी वो यहीं होगी सब कुछ यहीं होगा अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा कि जब बिजली चमकती है आसमान के अंदर देखा आपने देखा हाँ बारिश सभी ने देखी जब तो बारिश का टाइम होता है ठंड में अपन होते हैं मतलब घर पे अपन होते हैं गाँव में अपन होते हैं जहाँ भी हम लोग होते हैं आप देखते हो एकदम से बिजली चमकती है एकदम से बिजली चमकती है और उसके दो पांच मिनट बाद आपको क्या सुनाई देती है उसकी आवाज ऐसा क्यों सी लेवल का मतलब होता है बेटा समुद्र तल राहुल सर राहुल सर फैन क्लब क्या बात है बेटा ओके ठीक है तो क्या पॉइंट है कि जब बिजली कड़कती है तो पहले आपको चमकता हुआ दिखाई देता है और बाद में आपको आवाज आती है क्यों गौरव नंदी बताओ सभी लोग सभी लोगों को आंसर चाहिए मुझे यहाँ पर क्यों आपको बिजली पहले कड़कती हुई दिखाई देती है और बाद में आपको आवाज आती है बिल्कुल एकदम सही जवाब बेटा एकदम सही जवाब आप लोगों ने जो दिया आंसर बिल्कुल सही दिया कि जो लाइट होती है लाइट जब चमकती है तो लाइट की स्पीड तेज होती है और उस तेज स्पीड के कारण साउंड की स्पीड कंपैरेटिवली कम होती है तो तेज स्पीड से लाइट जल्दी से हमारे पास आ जाती है और साउंड जो होता है थोड़ा लेट आता है अब क्या हुआ था दो हजार चौदह की बात है जब मैं आप ही की तरह स्टूडेंट था स्टूडेंट तो मैं आज भी हूँ ज्योग्राफी को तो मैं हमेशा बहुत ऊपर मानता हूँ तो उस वक्त मैं क्लास में बैठा था और सडनली मेरे टीचर ने मेरे से पूछा मतलब आप तो बहुत समझदार होगी आपने इतना प्यारा आंसर दिया मतलब लिटरली हेड्स टू ऑल ऑफ यू तो मेरे टीचर ने मेरे से पूछा कि बेटा ये बताओ कि जो बिजली चमकती है आसमान में तो आपको पहले चमकते हुए दिखाई देती है और बाद में वो आपके कान में आवाज आती है ऐसा क्यों तो मैंने उनको बोला सर हमारी आंख है ना आगे है हमारे कान से हमारे कान थोड़े से पीछे और आंख थोड़ी आगे है इसलिए हम पहले देख पाते हैं और कान को बाद में सुनाई देता है ये बोला था मैंने तो उस दिन तो मारा अगले दिन भी मारा जब उनको याद आ जाती थी कि किसने ऐसा बोला था तब तब उनने मुझे मारा तो इस तरह की भी चीज कभी कभी होती है ठीक है वायुमंडल की ऊंचाई के बारे में हमने बात कर ली ठीक है ओके भाई आगे अब एक एक करके सारी लेयर्स को डिस्कस करते हैं सारी लेयर्स को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे किस चीज के बारे में आपके शोभ मंडल के बारे में ठीक है बेटा हिंदी में भी बताऊंगा इंग्लिश में बताऊंगा सबसे पहले वी विल गोइंग टू तो डिस्कस अबाउट शोम मंडल शोम मंडल के बारे में हम बात करेंगे तो शोम मंडल इट इज दोअर मोस्ट लेयर ऑफ आर एटमोस्फेयर हमारा जो वातावरण होता है उस वातावरण की सबसे निचली जो लेयर होती है याद रखना है ना पूरा ध्यान देना हमारे वातावरण की सबसे निचली जो लेयर होती है दैट इज योर दैट इज योर ट्रोपोस्फीयर हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम कहते हैं बेटा शोममंडल इतना हो गया ठीक है सर जी इतना तो हमको आ गया पूरा समझ में अगला पॉइंट इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर बिकॉज़ ऑल द वेदर फिनोमिना ऑकर इन दिस लेयर यह सबसे महत्वपूर्ण परत है क्योंकि सभी मौसम घटनाएं इसी के अंदर होती है जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे जरूरत सिर्फ स्टार्टिंग के 25 किलोमीटर की है। मुझे जरूरत सिर्फ स्टार्टिंग के 25 किलोमीटर की है ठीक है ठीक ओके क्लियर है सभी को कि ये जो वो है हमारा स्टार्टिंग ट्वेंटी फाइव किलोमीटर जितने भी वेदर के फिनोमिना होंगे वो इसी के अंदर होंगे ठीक है चलिए फिर इसके बाद होते पूर्व वर्षा कोहरा आंधी आदि ये सब कुछ इसी के अंदर हमें देखने को मिलता है क्या चीजें रेनफॉल फोक थंडर स्टोम थंडर स्टोम मतलब बिजली का कड़कना मैंने आपको बता दिया ये सब आपको यहां तक इसी के अंदर देखने को मिलेगा ट्रोपोस्फियर के अंदर ट्रोपोस्फियर इज अ जोन ऑफ मिक्सिंग ट्रोपोस्फियर एक ऐसी लेयर है जहां पर अलग अलग चीजें आपस में एक दूसरे के साथ मिलती है ट्रोपोस्फियर इज अ जोन ऑफ मिक्सिंग मतलब अलग अलग गैसेस यहां पर मिक्स होती रहती है इट इज द जोन ऑफ मिक्सिंग फिर आपने 29 किलोमीटर बेटा 29 किलोमीटर 25 किलोमीटर क्या होता है अलग अलग बुक में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इस डेटा पे आप भले ही टेंशन मतलब क्या होता है जो हमारा एटमोस्फियर रहता है ना ट्रोपोस्फियर इसकी हाइट चेंज होती रहती है जब सूरज की किरणें किसी एक एरिया पर पड़ती है ना तो वहां से एटमोस्फियर उचक जाता है मतलब ऊपर जाता है और जब सूरज की किरणें उस एरिया में नहीं होती है तो एटमोस्फियर पास आ जाता है तो इसमें चेंज चलता रहता है नमस्कार बेटा ठीक है सर आप डेली क्लास क्यों नहीं लेते हैं? अगर मैं डेली क्लास लूंगा तो आप डेली आओगे सभी लोग पक्का आओगे अगर सुबह नौ बजे से एक बजे तक मैं क्लास लूंगा तो आप लोग ज्वाइन करोगे मुझे चलो अगला आता है फियर टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग हाईट बाई डिग्री सेंटीग्रेड पर वन थाउजेंड मीटर भाई ये क्वेश्चन आई ए एस की एग्जाम में पूछा है मतलब यूपीएससी ने पूछा हुआ है ये क्या है क्वेश्चन कि जब हम एटमोस्फियर में ऊपर जाते हैं जब हम एटमोस्फियर में सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान साढ़े डिग्री रिड्यूस होता है हर एक किलोमीटर पे आप एक किलोमीटर ऊपर जाओ तापमान साढ़े छह डिग्री घट जाएगा आप एक किलोमीटर ऊपर जाओ तापमान साढ़े छह डिग्री घट जाएगा ठीक है हां हां बेटा काव्य तिवारी सब कुछ लास्ट में रिकॉल करवा दूंगा अगले द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर इज मोर नियर द इक्वेटर एंड लेस नियर द पोल त्रिलोक आपके क्वेश्चन का आंसर है बेटा ये कि जो हाइट होती है ट्रोपोस्फियर की वो इक्वेटर पर ज्यादा होती है क्यों क्योंकि इक्वेटर पर गर्मी के कारण ट्रोपोस्फियर खिंच जाता है वहीं पोल पर ठंड होने के कारण उसकी हाइट एकदम लो हो जाती है मतलब पोल पर आठ किलोमीटर और इक्वेटर पर आपको यही एटमोस्फियर तेरह से पंद्रह किलोमीटर तक देखने को मिलता है ठीक है ओके द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर चेंजेस सीजनली सीजन टू सीजन चेंज होती है अगर किसी एरिया में गर्मी है तो जो उसकी हाइट बढ़ जाएगी अगर किसी एरिया में ठंड है तो उसकी हाइट घट जाएगी ठीक है द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रोपोस्फियर ट्रोपोस्फियर इज ट्रोपोपोस जो troposphere है उसका सबसे ऊंचा जो बिंदु है उसे हम ट्रोपोपोस कहते हैं ट्रोपोस्फियर का जो सबसे ऊंचा बिंदु है उसे हम ट्रोपोपोस कहते हैं ठीक है बेटा हिंदी में बता दू सारी चीजें एक हजार किलोमीटर एक हजार मीटर ऊपर जाने पर तापमान हमेशा साढ़े छह डिग्री कम होता है जो मैंने आपको बताया शोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा के पास अधिक है और ध्रुवों के पास कम है समझ में आ गया भूमध्य रेखा के पास अधिक क्यों है क्योंकि भूमध्य रेखा पर गर्मी होती है वो गर्मी के कारण वो पुष्ट हो जाती है वही अगर उसकी बात करें आप हमारे ध्रुवों की तो ध्रुवों के पास वो पास पास आ जाती है इसके बाद शोभ मंडल की ऊंचाई जो होता है मौसम के आधार पर बदलती है सबसे ऊंचा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम ट्रोपोपोस सबसे ऊंचा जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं ट्रोपोपोस क्लियरली समझ में आ गया एक लेयर कंप्लीटली समझ में आ गई कुमार चंदन बेटा क्लास डेली नहीं रहेगी ये वीक में एक दिन होती है शनिवार के दिन मॉर्निंग में जितना पढ़ना उतना पढ़ लो मुझसे फिर शाम को जाके खूब पार्टी करना सैटरडे एंजॉय करना आप लोगों का दिन भर हर वीक पढ़ते हो पूरे सात दिन से पढ़ते हो तो आप लोग भी थक जाते होंगे ठीक है चलो ओके नेक्स्ट ये सेकंड लेयर की बात करें तो आपका सेकंड लेयर कौन सी आपकी स्ट्रेटोस्फीयर जिसको समताप मंडल बोलते हैं

यहाँ पे जो ओजोन का कंसंट्रेशन है इसलिए यहाँ पर इंक्रीजिंग हाइट के साथ तापमान भी इंक्रीज होता है ये हमें बचाती है किससे हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से ठीक है समटाइम यहाँ पर सिरस क्लाउड हमें देखने को मिल जाते बाकी तो यहाँ पर कोई वेदर फिनोमेना देखने को नहीं मिलता स्ट्रेटोस्फियर में ठीक है हिंदी में इसके बारे में जान ले तो यह वायुमंडल की दूसरी परत है स्ट्रेटोस्फियर इज द सेकंड लेयर ऑफ आर एटमोस्फियर यहां ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान भी बढ़ता है जैसा कि मैंने आपको बताया इस परत में कोई मौसम की घटना नहीं होती है ऊंचाई इसकी कितनी है पंद्रह से पचास किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है जो आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है सीएचएसएल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बाद निचले समताप मंडल में ओजोन मिलती है यह पॉइंट भी सीएचएसएल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है तो निचले में समताप मंडल में ओजोन मौजूद होती है जो हानिकारक परावे किरण से हमें बचाती है ठीक है कभी कभी सिरस बादल हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं जिन्हें मोती बादल कहते हैं या फिर मदर ऑफ पर्ल क्लाउड भी बोलते हैं जो आसमान के अंदर आपने देखा होगा ना कुछ बादल ऐसे होते तो जो दूर दिखाई देते चमकते हुए कभी नहीं बरसते हो एकदम शांत स्वभाव सलोना सा मन वो होते हैं बादल ठीक है गुड मॉर्निंग पूजा क्लियर है हाँ बेटा ओजोन इसी के अंदर प्रेजेंट होती शुक्ला ओजोन जो है इसी के अंदर प्रेजेंट होती है कोई डाउट तो नहीं है यहां तक पोल पर छह महीने का दिन छह महीने की रात की होती बता दीजिए मैं बता दू कुमार चंदन बशर्त आप लोगों को चीजें समझ में आना चाहिए बता दूंगा मैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता मिजोस्फियर ठीक है मिजोस्फियर की बात करते हैं ना तो मिजोस्फियर इट इज द ट्रांजिशनल लेयर बिटवीन स्ट्रेटोस्फियर एंड थर्मोस्फियर एक तरफ तो है आपका स्ट्रेटोस्फियर और एक तरफ है थर्मोस्फियर और इन दोनों के बीच की जो ट्रांजिशनल लेयर है इसे हम बोलते हैं मिजोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर और थर्मोस्फियर के बीच की जो ट्रांजिशनल लेयर है उसे हम बोलेंगे मिजोस्फियर इट एक्सटेंडेड फ्रॉम फिफ्टी टू एट्टी किलोमीटर हाइट हो पचास से अस्सी किलोमीटर बर्निंग मिट्योरोड्स आर सीम्स इन दिस मिजोस्फियर बर्निंग मिट्योरइड्स इनको बोलना सही होगा

और थर्मोस्फियर प्रोपोस्फियर में ऊपर जाने पर टेम्परेचर रिड्यूज हुआ में ऊपर जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ में ऊपर जाने पर टेम्परेचर रिड्यूज हुआ और थर्मोस्फियर में टेम्परेचर रिड्यूज हुआ कब तक जब तक आप सन तक ना पहुंच जाओ ये इस तरह से चलता हमारा एटमोस्फियर सर मेरे से गुस्सा हो क्या मेरा कमेंट का जवाब ही नहीं दे रहे नहीं बेटा मैं गुस्सा होता ही नहीं हूं मुझे गुस्सा ही नहीं आता विक्रम यादव कोई गुस्सा नहीं हूं अभी एक्चुअल में क्या है कि यहां पर पढ़ा रहा हूं फिर एकदम से देख नहीं पाता हूं मैं है ना आप लोग कॉमेंट कर दो मैं चेक करता रहूंगा ठीक है यस बेटा जीएस के लिए कोई बुक मत देखो आप सिर्फ यही नोट्स पढ़ लो सब सफिशियंट है ठीक है प्रोपोस्फियर में ऊपर जाने पर तापमान घटेगा टेटोस्फियर में बढ़ेगा मिजोस्फियर में घटेगा और थर्मोस्फियर में बढ़ेगा हाईएस्ट पॉइंट इसका है मीजोपोस मीजोपोस जो है वो हमारे मीजोस्फियर का हाईएस्ट पॉइंट है ठीक है इसको इसी को हम कोल्डेस्ट पॉइंट भी बोलते हैं पूरे एटमोस्फियर का पूरा जो एटमोस्फियर है उस एटमोस्फियर का कोल्डेस्ट पॉइंट यही है वेरी गुड सान्या शुक्ला आदित्य आपका कोर्स पूरा कराना हमारा काम है बेटा ठीक है अब इस टाइप के कंटिन्यूस कमेंट मत करो कोई मतलब नहीं उसका ठीक है आपका जो है वो पूरा करवा देंगे पेड बेज भी आपके लिए लेकर आएंगे अभी आपको फ्री में जो मिल रही चीजें आप उनको तो देखो बेटा ठीक है मिजोस्फियर को यही हिंदी में अगर इसके बारे में बात करें तो यह समताप मंडल और थर्मोस्फीयर के बीच का लाइन है है समताप मंडल और थर्मोस्फीयर के बीच की लाइन है नहीं हुआ इसको प्लीज चार्ज लगा देना ठीक है थैंक यू अविका तो समताप मंडल और दोनों के बीच की लाइन है जिसको हम बोलते हैं समक्रमण कालीन परत ठीक है भाई इसको यह पच, पचास से अस्सी किलोमीटर तक का होता मिजोसफियर में जलते हुए उल्का पिंड हमें दिखाई देते जिनकी हमने बात की थी साथ ही साथ मिजोसफियर में का जो उच्चतम बिंदु मिजोपोस वो हमारे एटमोसफियर का सबसे ठंडा पॉइंट है हमारे एटमॉस्फेयर का वो सबसे ठंडा पॉइंट है ठीक है बेटा चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट थर्मोस्फीयर टेंपरेचर इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग हाइट लास्ट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की कि हाइट के बढ़ने के साथ-साथ तापमान बढ़ता कब तक जब तक कि आप सन तक ना पहुंच जाओ ये तापमान आपका बढ़ता रहेगा जैसे-जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा था कुमार चंदन मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा था बेटा टेंथ तक सरस्वती विद्या मंदिर ग्रामीण विद्या मंदिर ग्राम पोचा जिला मध्य प्रदेश लो इस एरिया के अंदर जो हमारा एटमोस्फियर होता है उसकी डेंसिटी एकदम कम होती है ठीक है क्यों क्योंकि अब जितने यहां पर ग्रेविटी एकदम कम होने लगी और जब ग्रेविटी कम होने लगी इस एरिया के अंदर तो ग्रेविटी कम होने के कारण क्या हुआ सारी की सारी चीजें दूर दूर फिकाने लगी जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का इंपैक्ट इसके ऊपर रिड्यूस हुआ उसी के कारण हमारा जो एटमोसफियर था वो रेरिफाइड होने लगा यहां से फिर एटमोस्फियर खत्म होने लग जाता है थर्मोस्फियर इज डिवाइडेड इन टू लेर एक तो आइनोस्फियर और एक एग्जोस्फियर इन दो लेयर के अंदर हमारा थर्मोस्फियर जो होता है वो डिवाइडेड होता है सबसे पहले बात करते हैं ये वाला बता दिया मैंने आपको कि किसमें आयन मंडल और एक्सोस्फियर इसमें हमारा थर्मोस्फियर डिवाइड होता है ठीक है तापमान तेजी से बढ़ता है हाइट के बढ़ने के बढ़ने साथ साथ ओके अब बात करते आइनोस्फियर की तो आइनोस्फियर क्या होता है इसकी हाइट होती है बेटा अस्सी किलोमीटर से 640 चालीस किलोमीटर तक की अस्सी किलोमीटर से छे चालीस किलोमीटर तक की इसकी हाइट होती है ठीक है उसके बाद है इसके बाद यहाँ पर जो होते हैं नंबर ऑफ आयोनिक है को फोन लगाना अथर्व को, तो अथर्व को तो कॉल करता हूं यहाँ से मैंने उनको जैसे कॉल किया कॉल करने के बाद पहले पे, मेरा फोन यहां से कहा गया मेरे नेटवर्क टावर के पास फिर नेटवर्क टावर से कहा जाएगा इस आयन मंडल में ई एफ जी और इस आयन मंडल से कहा जाएगा अथर्व के नेटवर्क टावर के पास फिर अथर्व के नेटवर्क टावर से कहा जाएगा अथर्व के फोन के पास ठीक है तो इस तरह से ये कनेक्शन बनता है ठीक है अब क्यों बनता है क्योंकि अब ये यहां पर देखो ये कोई और है पर्सन वन ये है पर्सन टू ठीक है यहां से इन्होंने फोन किया तो पहले गया नेटवर्क टावर के पास फिर ये इनके रेंज नेटवर्क टावर तक गई नेटवर्क टावर ने इसको बोल दिया आइनोस्फियर में आइनोस्फियर से लोटी अब जिसको फोन लगाया था उसके नेटवर्क टावर तक गई यहां पर फिर इसके बाद इनके कॉल तक गई इस तरीके से इसका सीन होता है अब क्यों क्योंकि ये रिफ्लेक्शन करता है इन आयंस के थ्रू अब दिन में क्या होता है आयंस दूर दूर चले जाते हैं सूरज की जब रोशनी गिरती तो आयंस दूर दूर हो जाते हैं तो दिन में अच्छी बात नहीं हो पाती वहीं अगर आप, आप रात में किसी से बात करोगे तो अच्छी बात कर पाओगे बातें अच्छी होगी अगर आप रात में किसी से बारह एक दो बजे तक बात करने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा बात अच्छी होगी एकदम आपको फील आएगा क्यों क्यों फील आएगा क्योंकि ये आयन से टकरा के आ रही है तो यहां पर ग्लिच नहीं होगा बिल्कुल भी यहां पर डायरेक्टली आपकी बात हो जाएगी और दिन में अच्छी बात नहीं हो पाती क्यों क्योंकि ये आयन से प्रॉपर टकराता नहीं है तो ये क्या होता बीच बीच में आवाज कटती है वो मेरा कहने का मतलब था आप पता नहीं क्या समझे आइनोस्फियर कौन सा लेयर होता है आइनोस्फियर हमारे एटमोसफियर की लेयर होती है बेटा थर्मोस्फीयर का पार्ट होती है थर्मोस्फीयर के अंदर आती आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर कुमार चंदन सर हमें कोई हमेशा के लिए मोटिवेट क्यों नहीं कर पाता देखो एक बात याद रखना कुमार मैं मैं आपको एक मेरी लाइफ की स्टोरी बताता हूं है ना आपको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूं मैं बताता हूं कि मैं कहां किस सिचुएशन से था और मैंने कैसे प्रिपरेशन की मेरे फादर किसान हैं मेरे पापा किसान हैं और मुझे गर्व है इस बात पे कि मैं किसान पुत्र हूँ हर साल क्या होता था जब महीना आता था जून जुलाई का जून जुलाई का टाइम आता था यानी सोविंग सीजन ऑफ खरीफ क्रॉप जब खरीफ क्रॉप की सोविंग सीजन का टाइम आता था मतलब जो सोयाबीन कॉटन ये जो लगाते हैं ना इस क्रॉप की जब सोइंग का सीजन आता था तो बारिश होती थी बारिश होने के बाद हम सोयाबीन लगाते थे मोस्टली हमारे खेत में हम सोयाबीन लगाते सोयाबीन हम हमारे खेत में लगा देते थे सोयाबीन लगा लग जाती थी और उसके बाद है तो हम हमारा एकमात्र सोर्स ऑफ इनकम क्या था वो खेती वो खेती थी वो खेत था वो सोयाबीन थी जिसको बेच करके मेरी पढ़ाई चलती थी मेरा घर चलता था मेरे बाबा चलाते थे ठीक है भैया अब क्या हुआ कि हमने क्या देखा है कि सोयाबीन की जो फसल हमने जून में लगाई थी अक्टूबर का टाइम आया अब उसको काटने का वक्त आ गया अक्टूबर में उसको काट के आप उसको मंडी के अंदर बेच सकते हो और पैसे आएंगे अब अक्टूबर में एकदम से बारिश शुरू हो गई आजकल जो क्लाइमेट चेंज के कारण बारिश होती है ना अक्टूबर में बारिश शुरू हो गई बारिश शुरू हो जाने के कारण क्या हो गया सोयाबीन खत्म हो गई ठीक है बहुत मिनिमम जितना हमने उसके अंदर खर्चा किया था जितने हमने लेबर लगाए थे जितना हमने ट्रैक्टर चलाया था उसके अंदर जितने हमने बीज खरीद के लाए थे उससे भी कम पैसा आया हो गया अगले साल जब जून का महीना आया ना फिर मेरे फादर ने उसी प्रिपरेशन के साथ उसी ताकत के साथ फिर से सोयाबीन लगाई मतलब कहने का मतलब मेरा यह था यहां पर कहने का मेरा पॉइंट यह था बेटा कि एक साल गया एक साल गया लोस हुआ इसका मतलब ये नहीं कि मैं आगे मेहनत नहीं करूंगा जब दूसरी बार सोयाबीन लगाई तो फिर सफिशियंट अमाउंट में सोयाबीन निकली ठीक है मेरा कहने का मतलब आप लोगों से यही है कि कभी भी जीवन में मोटिवेशन आपको कोई और नहीं दे सकता, दे सकता दोस्त जितना आपको आपके पेरेंट्स दे सकते हैं आप बस इतना समझो कि वो किसान समझ रहे हो वो किसान जिसकी निगाहें आसमान पर टिकी क्यों क्योंकि उसने खेत में बीज नहीं अपने बच्चों का भविष्य बोया है अगर वो नहीं चला उसका भविष्य बिगड़ जाएगा वो नहीं कुछ काम कर पाएगा तो इसलिए हमेशा इस बात को याद रखना कि मोटिवेशन कुछ नहीं होता अल्टीमेटली मैं लिटरली वहां से जो चीजें मैं हूं, कि मैं कि गिरूंगा गिरूंगा पर उठूंगा वो उठने के बाद ऐसा नहीं है कि उठने के बाद एकदम से रफ्तार पकड़ ली तेज हो गए नहीं हो सकते धीरे धीरे ही चलोगे बट मन में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई किया नहीं और भाई मेरे दोस्त ये जो आपकी उम्र है ना ये उम्र ऐसी है कि इसमें सिर्फ इंसान सांस लेना चाहिए वो कुछ भी कर जाएगा कुछ भी कर जाएगा ठीक है ओके तो आइनोस्फियर समझ में आ गया आइनोस्फियर के बाद आगे बढ़ते हैं सर हर लेयर में टेम्परेचर डिक्रीज और इंक्रीज क्यों होता है संधु मैंने आपको बताया था कि जब ट्रोपोस्फियर में जाओगे तो एटमोस्फियर नीचे की तरफ ज्यादा है ऊपर की तरफ रेरीफाइड होता तो ट्रोपोस्फियर में तापमान घटेगा स्ट्रेटोस्फियर में जाओगे तो आपको ओजोन मिलेगी और ओजोन मिलने के कारण स्टेटोस्फियर में ओजोन मिलने के कारण जो आपका शो मंडल है वहां पर यूवी रेस की बॉम्बार्डिंग होगी तो वहां टेम्परेचर धीरे 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 इंक्रीज होता जाएगा ठीक है भैया तीसरी लेयर आती है आपकी मिजोस्फियर अब मिजोस्फियर के अंदर कोई पार्टिकल है ही नहीं वो तो जब पार्टिकल नहीं है तो वहां पर टेम्परेचर फिर रिड्यूस होने लग जाएगा वो लास्ट लेयर आ जाएगी जो आपको संत तक लेकर के जाएगी सूरज तक तो वहां पर तापमान बढ़ता जाएगा ये उसका कारण था होए रहते हैं जिसकी यादों में आज वही छोड़ के चली गई शायद कुछ लेना चाहिए था उसके दिल से क्या पागल वागल हो गए हो क्या ब्लॉक कर दूंगा मैं अगर ऐसी हरकतें करोगे तो ठीक है आयनोसफियर का समझ में आ गया 80 से 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है आयनिक लेयर से इसके अंदर अलग अलग डी लेयर ई लेयर एफ लेयर जी लेयर ठीक है हर जो आयन से उसके हर लेयर के अंदर आयंस मिलते हैं जो कि हमको हेल्प करते हैं ठीक है ओके इसके बाद एक्जोस्फियर लास्ट लेयर होती है हमारे एटमोस्फियर की लास्ट लेयर होती है इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ आर एटमोसफेयर हमारा जो एटमोसफियर होता है इसकी अपर मोस्ट लेयर होती है सबसे ऊपरी लेयर जिसको हम बोलते हैं एग्जोस्फियर तो भाई ये बना दिया मैंने आपका एक रो डायग्राम ये आपकी प्यारी अर्थ ये आपका हो गया ट्रोपोस्फियर ठीक है नहीं यहां लिखने दो ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर मीजोस्फियर थर्मोस्फियर ठीक है थर्मोस्फियर के अंदर दो लेयर होगी पहली आइनोस्फियर और दूसरी एक्सोस्फियर ये हमारा एटमोस्फियर वाला चैप्टर कंप्लीट हमारा एटमोस्फियर वाला चैप्टर कंप्लीट ठीक है एटमोस्फियर कंप्लीट हो गया अब हम बात करेंगे नए छोटे से प्यारे से पॉइंट के बारे में जिसका नाम है औररा ठीक है ओरोरा ये किसी का सरनेम नहीं है एक ज्योग्राफिकल फिनोमिना है ठीक है ओरोरा जो है ओरोरा इज अ जियोग्राफिकल फिनोमिना ठीक है क्या होता है इसके अंदर ओके जब सूरज से सूरज से रेगुलर बेसिस पर क्या आते हैं सोलर स्टॉर्म्स आते हैं जो सोलर स्टॉर्म्स आते हैं

जो बवंडर घूम घूम के जाते हैं वो बवंडर ऐसे ही सूरज से हमारी अर्थ के पास भी आते हैं और जब ये बवंडर सूरज से हमारी अर्थ के पास आते हैं तो हमारी अर्थ से एक फील्ड जनरेट होती है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड और इसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है ये बवंडर आसमान में ही फूट जाते हैं ये हमारी अर्थ तक नहीं जा पाते हमारी अर्थ के पास तक नहीं पहुंच पाते मतलब समझ रहे हो आप इस एक पॉइंट एक पॉइंट क्या कि ये अर्थ इन बाउंडर के अंदर इतनी ताकत होती है कि एक बाउंडर पूरी अर्थ को फोड़ सकता है ठीक है एक बाउंडर आपकी पूरी अर्थ को फोड़ सकता है बट ये क्या करते हैं ये जो बाउंडर अर्थ तक आते हैं जो एक बाउंडर पूरी अर्थ को बाउंडर मतलब होता है बेटा सिंपल वर्ड में फ्लेयर्स आंधिया ठीक है तो एक आंधी के अंदर इतनी ताकत होती है कि पूरी धरती को फोड़ दे फोड़ दे पर हमारी अर्थ अपनी ही मैग्नेटिक फील्ड से हमें और अर्थ दोनों को प्रोटेक्ट करती है और साथ ही साथ इनको फोड़ने के बाद इतने प्यारे प्यारे स्काई के अंदर फिनोमिना देखने को मिलते हैं आपको जो अलग अलग दृश्य दिखाई दे रहे ना मेरे राइट मेरे दाईने और मेरे बाएं हाथ के पास आपको जो दृश्य दिखाई दे रहे इनको हम बोलते हैं और बोरियोलिस और ये जो ओरोरास होते हैं ये आसमान के अंदर हमें दिखाई देते हैं और यही ओरोरास जो होते हैं हमें आसमान के अंदर कब दिखाई देते हैं जब ये सोलार स्ट्रॉम्स फूटते हैं तो एक तो उसने हमको सोलर स्टोम से बचाया और दूसरा हमको इतने प्यारे प्यारे कलर्स दिखाए ठीक है ये होता है नहीं बेटा बाकी प्लैनेट्स में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है बाकी प्लैनेट्स में नहीं है ठीक है आगे बढ़े जियोग्राफी में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना चाहिए बेटा वो सारे टॉपिक्स पढ़ना चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूं एक यहां पर हमारा जो चैप्टर था कंप्लीट हो गया अब तक हमने क्या देख लिया ये वाला पार्ट हमने देख लिया बेटा एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन अब हम बात करेंगे एटमोस्फियर में इंसुलेशन के बारे में कि इंसुलेशन क्या होती है इंसोलेशन की बात करेंगे बेटा ठीक है इंसोलेशन क्या होता है कि सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ अर्थ सरफेस हमारी धरती है उस धरती के ऊपर ऊर्जा का स्रोत क्या है अच्छा पांच मिनट का ब्रेक लेते हैं क्लास स्टार्ट करेंगे दस बज के पैंतीस मिनट से दस बज के पैंतीस मिनट से स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे ठीक है तो सात मिनट का सभी लोग ब्रेक ले लो ठीक है सभी लोगों को ब्रेक दे करके जा रहा हूँ सात मिनट का फिर स्टार्ट करेंगे सोलार एनर्जी को ठीक इस चीज को हम कंटिन्यू करेंगे फिर हेलो 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 आवाज आ रही है ऑडिबल हूं विजिबल हूं दो तो मिनट कंप्लीट ब्रेक कंप्लीट हो चुका यस हर्षिका मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को मैं दिखाई दे रहा हूं हेलो 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 ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी बेटा बहुत जल्दी मैं आ गया हूँ चलो फटाफट लौटाओ सभी लोग जो जिसकी नज़र में हो जिस जो जिससे कनेक्ट हो फेसबुक इंस्टाग्राम पे फटाफट मैसेज कर दो कि जल्दी आ जाओ चलिए आते हैं ठीक है हम बात कर रहे थे हमारा सोलर सिस्टम हमारा जो अर्थ है वो अर्थ कौन कौन सी चीज़ों से गर्म होता है ठीक है तो अर्थ के गर्म होने के तीन कारण है पहला तो आपका सोलर रेडिएशन मतलब सूरज से आने वाली किरणें अर्थ को गर्म करती है दूसरा एंडोजेनेटिक फोर्स वो फोर्स जो धरती के अंदर से निकल के धरती को गर्म करते जैसे कि ज्वालामुखी ज्वालामुखी क्या करती है अंदर से होट लावा निकलता बाहर जब होट लावा निकल के बाहर आ जाता है तो बाहर का तापमान बढ़ा देता है दूसरा एनर्जी का सोर्स और तीसरा है ग्रेविटी ग्रेविटी क्या करती है ग्रेविटी अर्थ पर लग, अर्थ की जो ग्रेविटी है यहां पर डस्ट पार्टिकल्स वाटर वेपर, को बांध लेती है अब जब डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर एकदम पास आ जाते हैं तो पास आने से क्या होता है कि अर्थ का तापमान उस लिमिटेड एरिया में रुक जाता है इसलिए तीन फैक्टर है जिनसे हमारी धरती गर्म होती है ये तीन फैक्टर है जिससे हमारी धरती गर्म होती है। ठीक है तो कौन कौन से पहला सौर विकिरण दूसरा एंडोजेनेटिक बल और तीसरा गुरुत्वाकर्षण ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं वॉट इज इंसुलेशन सूरज से जो रोशनी धरती पर आती है उसे हम इंसुलेशन कहते हैं ठीक है सूरज से जो रोशनी धरती पर आती है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं इंसुलेशन इंसुलेशन जो है वो तीन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है इनकमिंग सोलार रेडिएशन बना है इनकमिंग सोलर रेडिएशन तो अर्थ सरफेस रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी इन शॉर्ट वेवलेंथ कौन सी वेवलेंथ में रिसीव करता है सबसे ज्यादा एनर्जी शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में रिसीव करता है ठीक है ओके शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब क्या पहले तो यहां आपको समझा दो पृथ्वी की सतह पर अधिकांश ऊर्जा लघु तरंग के फॉर्म में आती है कहां से आती है सूरज से आती है धरती के ऊपर ठीक है जिसको हम सौर विकिरण के नाम से जाने जानते है ये सूरज इस सन से जो रेस हमारी अर्थ पर आई वो किस फॉर्म में आई किस फॉर्म में आई शॉर्ट वेव के फॉर्म में शॉर्ट वेव का मतलब क्या होता है ये है आपकी वेव ठीक है इस वाले पार्ट को हम बोलते क्रेस्ट और इस वाले पार्ट को हम बोलते ट्रफ ठीक है तो क्रेस्ट और ट्रफ क्रेस्ट और ट्रफ के बीच की जो दूरी होती है अगर यह दूरी कम है तो वेवलेंथ कम होगी और वहीं अगर यह दूरी ज्यादा है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी अगर यह दूरी कम है तो वेवलेंथ कम होगी अगर यह दूरी ज्यादा है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी गेटिंग माई पॉइंट इतना समझ में आ गया विनय, कंधु हर्षिका इतना क्लियर हुआ अथर्व ठीक है तो ये होता है सूरज से आने वाली किरणें अब मैकेनिज्म ऑफ सोलर रेडिएशन ये सोलार रेडिएशन कैसे जन्म लेती है और कैसे आती है तो ये जो सोलार रेडिएशन है ये सूरज के अंदर जन्म लेती है कैसे लेती है सूरज के अंदर जन्म कि सन के अंदर हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है हीलियम में सूरज के अंदर हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है में और रिलीज करता है बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी ठीक है हेवी अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता कब जब सन के अंदर हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है और कन्फाइंड प्रेशर और टेम्परेचर उस जगह पर प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो बहुत अधिक ताप और दाप के कारण जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है और वो एनर्जी अर्थ सरफेस के पास आती ठीक है द हीट एनर्जी ट्रांसमिटेड टू अर्थ सर्फेस फ्रॉम सन इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन ये एनर्जी धरती पर आती है किस फॉर्म में आती है ये आती है रेडिएशन के फॉर्म में ठीक है अब एक पॉइंट आता सोलर कॉन्स्टेंट सोलर कॉन्स्टेंट क्या होता है ध्यान से समझना इतना समझ में आ गया मैकेनिज्म की सूरज के अंदर हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है तो बहुत एनर्जी मिलती है जो कि सारे प्लान के पास जाती है अर्थ को लेते हुए यहां तक समझ में आया आदित्य सर डिटेल सिलेबस की पी डी पर डलवा दो ऐप पर अवेलेबल हो जाती है ठीक है वहां डलवा भी देंगे समझ में आ गया इतना क्या क्या डाउट दा, है बेटा हाँ, सोलार फ्लेयर जो होते हैं वो चार्ज स्टॉम होते हैं सिलेबस जो है इस चैप्टर के एंड में बता दूंगा ठीक एक, एक बार और बता दूंगा आपको ओके चलिए अब हम बात करते हैं सोलार कांस्टेंट के बारे में कि सोलार कांस्टेंट क्या होता है ठीक है सोलार कांस्टेंट क्या होता है सूरज और धरती के बीच में एक हमने एक इमेजनरी पॉइंट बनाया ठीक है एक इमेजनरी स्क्वायर बनाया मैंने इतना अब इस इमेजनरी स्क्वायर से एक मिनट के अंदर इस इमेजनरी स्क्वायर से एक मिनट के अंदर कितने कैलोरी एनर्जी सूरज से धरती पर जा रही है दैट इज योर सोलर कॉन्स्टेंट मतलब एक मिनट के अंदर एक मिनट के अंदर सोलर इंसुल सोलर कांस्टेंट इज द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन और सोलर एनर्जी रिसीव्ड इन ए यूनिट एरिया एट एवरेज डिस्टेंस एक यूनिट एरिया पर एवरेज डिस्टेंस पर कितनी एनर्जी रिसीव्ड हो रही है सन और अर्थ के बीच में इट इज मेजर्ड बाय कैलोरी पर सेंटीमीटर पर मिनट एक मिनट के अंदर एक सेंटीमीटर स्क्वायर से कितनी कैलोरी आती है दैट इज सोलर कांस्टेंट और ये कितनी आती है 1.94 कैलोरी मतलब सूरज से एक मिनट में धरती की तरफ एक सेंटीमीटर के स्क्वायर से 1.94 1.94 कैलोरी एनर्जी आती है गेटिंग इतना समझ में आया सोलर कांस्टेंट के बारे में ठीक है सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी जिसको सोर इस, स्थिरांक कहते हैं इसमें क्या होता है कि सोर मतलब कैलोरी कितनी आती है एक सेंटीमीटर स्क्वायर से एक मिनट के अंदर हिंदी में भी है बेटा ये नहीं समझ में आया स्टडी हेल्प देखो ये समझो आप सभी लोग हो सूर्य ठीक है आप सभी लोग हो सूर्य और ये अर्थ ठीक है अब आप सभी लोग से एक मिनट के अंदर सर्कल है ठीक है इस सर्कल से एक मिनट के अंदर कितनी एनर्जी आपकी धरती पर जा रही है कितनी एनर्जी आपकी धरती पर जा रही है ये आप तो हो सन ये अर्थ और आपके बीच में हमने एक इमेजनरी सर्कल बनाया इस सर्कल से एक मिनट के अंदर कितनी कैलरी एनर्जी धरती की तरफ जा रही है उसको सोलार कॉन्स्टेंट बोलते हैं आप समझ में आ गया आप समझ में आ गया अब क्लियर हुआ बेटा ठीक है सभी लोगों को आ गया चलिए बहुत बढ़िया अच्छा एक बार में समझ में नहीं आना चाहिए बार थोड़ी देर बाद भी ना समझ में तो कोई दिक्कत नहीं बट समझ में आ जाना चाहिए ओके चलिए अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर है धरती के ऊपर कौन कौन से ऐसे फैक्टर है अर्थ के ऊपर जो आपके इंसोलेशन को इंपैक्ट करते हैं तो पहला फैक्टर है आपका लेटिट्यूड मतलब ये पॉइंट याद रख लेना लो लेटीट्यूड हाई टेम्परेचर हाई लेटीट्यूड लो टेम्परेचर ठीक है मतलब सूरज की रोशनी ये लो लेटीट्यूड से इसके ऊपर ज्यादा गिर रही है और जो हाई लेटीट्यूड से इसके ऊपर कम गिर रही है तो यहां पर तापमान होगा कम और यहां तापमान होगा ज्यादा समझ में आ गया क्लियर है क्लियर है सभी को परफेक्टली क्लियर है त्रिलोक मरीना संस्कृत शिवम हर्षिका विनय स्टडी हेल्प सभी को समझ में आ गया व्हाट इज लेटीट्यूड लेटीट्यूड का मतलब होता है बेटा अक्षांश इसको क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं अक्षांश ठीक है अगला अगला आता है आपका ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट मतलब दिन का ड्यूरेशन समर में ज्यादा होगा और रात का ड्यूरेशन विंटर में ज्यादा होगा तो जहां दिन बड़े होंगे वहां पर आपको इंसुलेशन ज्यादा मिलेगी और जब रात बड़ी होगी तो आपको इंसुलेशन कम मिलेगी ठीक है वो सोंग आपने सुना होगा जब रात बड़ी हो जाएगी और दिन छोटे हो जाएंगे हम तुमको भूल ना पाएंगे ये मौसम आएंगे ये मौसम जाएंगे ठीक है ओके okay. तो इन समर ड्यूरेशन ऑफ डे इज मोर देन नाइट समर में ड्यूरेशन होगा जो डे का वो ज्यादा होगा नाइट के कंपेयर में तो यहां पर इंसोलेशन भी आपको एम्पल अमाउंट में मिलेगा वही विंटर की बात करें तो ड्यूरेशन जो होगा डे का वो होगा कम तो आपको इंसोलेशन भी मिलेगा कम क्लियर है डाउट Without... ये बेटा हिंदी में ग्रीष्म ऋतु में दिन की अवधि रात से अधिक होती है इसलिए हमें इंसुलेशन ज्यादा देखने को मिलती सूर्य ताप वही ठंड में जो होता है सूर्य ताप कम देखने को मिलता है क्योंकि दिन छोटे होते हैं रात बड़ी दिन छोटे और रात बड़ी फूल लिए फरवरी खड़ी ठीक है एक्सक्यूज मी सर वॉट इज इंसुलेशन बेटा इट इज इंसुलेशन हम यहां जो पढ़ रहे हैं ना वो इंसोलेशन है इंसोलेशन मतलब सूरज से आने वाली किरणें. ठीक है थीके? अगला डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ अगर सूरज और धरती के बीच की दूरी एकदम कम होगी तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे पेरी हेलियोन और जब इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होगी इसको हम बोलेंगे एफ हेलियोन तो पेरी हेलियन में आपको जो इंसोलेशन होगा वो ज्यादा मिलेगा और एफ हेलियोन में आपको इंसोलेशन कम मिलेगा ठीक है क्योंकि दूरी बढ़ जाएगी मोटिवेशनल शायरी किया करो ना अरे बेटा कुछ समझ में आ गया आ गया बेटा ठीक है अगला आता सनस्फोट सनस्फोट का मतलब होता है सूरज के अंदर धब्बे तो सूरज के अंदर इलेवन ईयर में स्पोर्ट्स बनते हैं सन के अंदर इलेवन ईयर्स में स्पोर्ट्स बनते हैं और ये जो स्पोर्ट्स होते हैं जब समझना ग्यारह साल में स्पोर्ट्स बनते एक साल से ग्यारह साल तक की एक साइकिल चलती है ठीक है अब एक साल में जब सन स्पोर्ट बनना शुरू होते हैं तब इंसुलेशन होती कम वो ग्यारहवें साल तक इंसुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है मतलब सूरज के अंदर हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन जब हीलियम में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है आपके सनस्पोर्ट बनते ठीक है और यही सनस्पोर्ट धीरे 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 जाकर के क्या एक्सपांड होने लगते ग्यारह साल तक तो ये एक साइकिल चलती है ठीक है इज दैट क्लियर राहुल कुमार अभी टेस्ट होना स्टार्ट नहीं हुए बेटा अभी तो रनिंग चल रहा है बेटा सनस्पोर्ट का ठीक है चलिए अगला मिट्योरटिक डस्ट अब ये क्या होता है जब सूरज से रोशनी धरती की तरफ जाती है जब सन से रोशनी कहां जाती अर्थ की ओर जब सन से ये अर्थ की तरफ जाएगी यहां पर तो क्या होगा जब सन से रोशनी अर्थ की तरफ जाएगी वो बीच में डस्ट पार्टिकल्स आ जाएंगे अगर स्पेस में फिर क्या कर देंगे इस रोशनी को ब्लॉक कर देंगे आसमान में जब डस्ट पार्टिकल्स आ जाएंगे तो रोशनी ब्लॉक हो जाएगी और जैसे रोशनी ब्लॉक हो जाएगी उस ब्लॉक होने के कारण इंसुलेशन का अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा ये एक अलग फैक्टर है जो इंसुलेशन को इंपैक्ट करता है बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस देखो इस वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाए अगले के अंदर मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा ठीक है इसके अंदर मैंने आपको थ्योरी पढ़ा दी अगला जो सेशन होगा उसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा हम्म ये यहां से स्पेक्ट्रम से मैं अगली क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा अब यहां पर मैं आप लोगों के डाउट सोल्व करूंगा बताओ बेटा किस किस को क्या डाउट है राहुल इंसोलेशन का मतलब होता है सन से जो किरणें धरती पर आती है उसे हम इंसुलेशन कहते हैं ठीक है जो किरण सन से अर्थ पर आती है उसे हम इंसोलेशन कहते हैं हां मोहम्मद सफदार अली सिलेबस हो जाएगा बेटा सनस्पोर्ट कैसे होते हैं सूरज के अंदर जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है तो उसे सनस्पोर्ट बोलते हैं ठीक है धब्बे पड़ते हैं सूरज के अंदर इंसुलेशन का मतलब होता है इंसुलेशन का मतलब होता है इनकमिंग सोलार रेडिएशन सूरज से आने वाली किरणें हाँ ये चैप्टर हो गया बेटा फिनिश प्रैक्टिस बुक के लिए अगर आपको सब्जेक्ट वाइज देखना हो तो कई सारे प्रकाशन की किताबें आती है आप उनको चेक कर सकते हैं वैसे तो एनसीआर बेस्ट होती है इसके अलावा आप चाहो तो ल्यूसेंट पढ़ सकते हो इंपोर्टेंस अर्थर्व हर सनस्पोर्ट की ऐसी होती है कि जितने ज्यादा सनस्पोर्ट बनेंगे उतना ही ज्यादा अर्थ के ऊपर इंसोलेशन रिसीव होगी ग्रीष्म ऋतु में स्वामी विवेकानंद ग्रीष्म ऋतु में, में पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे ज्यादा अधिक होती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का मतलब ऐसा होता है एक तो वो जो सूरज से अर्थ पर आती है और एक वो जो अर्थ रिवर्ट करके आसमान में भेजता है उसे हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं हाँ हर 11 साल के बाद वो खुद ही इग्रेट हो जाते हैं रोरास में क्या होता है सूरज से आने वाले सोलार फ्लेयर्स जो होते हैं वो सोलार फ्लेयर्स जो मैग्नेटिक फील्ड उससे टकरा करके अलग अलग कलर्स दिखाते हैं जिन्हें हम बोलते ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा अगली आने वाली कुछ क्लासेस के अंदर मेट्योरेटिक डस्ट का मतलब क्या होता है जैसे आप हो कैमरा और मैं हूं अर्थ ठीक है और बीच में अगर धुंध आ गई बीच में कुछ पत्थर आ गए धुंध आ गई तो मेट्योरिटिक डस्ट है अब आप मुझे प्रॉपरली देख नहीं पाओगे तो आपकी एनर्जी मेरे तक नहीं आ सकती ठीक है रिवीजन करवाना है क्या वैसे तो मैंने आपको पूरा समझा दिया एक बार और ब्रीफली कर देता हूं आप लोगों को कि हमने देखा था एटमोस्फियर तीन चीजों से मिलकर बना डस्ट पार्टिकल वाटर वेपर और गैसेस ठीक है इसके बाद एटमोस्फियर की अलग अलग लेयर की बात कर लेते हैं तो ट्रोपोस्फियर मिजोस्फियर आइनोस्फियर एक्सोस्फियर थर्मोस्फियर ठीक है फिर इसके अंदर बात करें तो जो ट्रोपोस्फियर है उसके अंदर सारे वेदर फिनोमिना होते हैं सबसे कम तापमान होता है साथ ही साथ वहाँ पर बर्न होते हुए दिखाई देते थर्मोस्फियर में टेम्परेचर बढ़ने लगता हैलियन का मतलब होता है जब सूरज अर्थ के एकदम पास हो ठीक है दैट इज वन फोर्टी नाइन मिलियन किलोमीटर एप हेलियन का मतलब होता है जब सूरज अर्थ से बहुत ज्यादा दूर हो दैट दिन वन मिलियन किलोमीटर सर आप साउथ की मूवी के हीरो की तरह जैसे दिखते हो कौन सा हीरो क्लास खत्म हो गए हाँ बेटा क्लास खत्म हो गई मैं सिर्फ आपके डाउट सेशन है ये मैं आपके डाउट सोल्व करवा रहा हूं अच्छा मैं पहले लिख तो दू अभी और कोई डाउट है किसी को वॉट इज your मदर टंग माई मदर टंग इज हिंदी हाँ अगली क्लास में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा और दो बचे हुए टॉपिक्स सूर्या जैसा सूर्य कौन है विजय की तरह लगते हो विजय थैंक यू कोई अच्छा ही होगा शायद मैं जान मैंने नहीं देखा क्लियर है हाँ और कोई डाउट है बताओ एनी डाउट ओके तो विजय पर डन करते कि विजय की तरह लगता हूं ठीक है तो चलो बेटा बहुत बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके ठीक है और कोई भी आपके डाउट हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है सर इंपोर्टेंट चैप्टर बता दीजिए इंपोर्टेंट चैप्टर की बात करूं ना तो इंडियन ज्योग्राफी के चैप्टर मत छोड़ना भाई बस इतना याद रख लेना इंडियन ज्योग्राफी के एक एक चैप्टर हमको करने डीप में डिटेल में सर आप ज्योग्राफी कितना तक पढ़े हो ये क्या क्वेश्चन हुआ? एपोजी पेरीजी जो होता है एक मंथ में दो बार होता बेटा 54 बैलेंस एपोजी और पेरीजी सन और अर्थ एकदम पास और दूर होते ना एक मंथ में दो बार होता है आ आ वी विल कि हम क्लास के वीक के अंदर दो से अधिक क्लास आप लोगों के लिए लेकर के आए रिविजन करने का एक अच्छा तरीका ऐसा होता है बेटा जियोग्राफी का कि आप जो तो है ना मैप्स के थ्रू चीजों को लर्न करो उनके नोट्स बनाओ थैंक यू सो मच बेटा आप सभी लोग भी अपना ध्यान रखिए है, है ना आप लोगों का भी दिन अच्छा रहे सर आपके मोबाइल नंबर प्लीज क्या बात हुई है ओके चलो भाई मिलते हैं अगली क्लास के अंदर आप सभी लोग अपना पूरा पूरा अच्छे से ध्यान रखना बेटा